और ये मैं रिकॉल करेगा। तो एक कल हमने एक जिला पढ़ा था, इसका नाम क्या था? बस्तर। और बस्तर को लगभग हमने कंप्लीट कर लिया। और जब हमने बस्तर कल पढ़ा था तो हमने बस्तर में शुरुआत किया था एक नेशनल हाईवे से जिसका नाम क्या था? NH-63। और मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी अगर आपको NH-63 में जाना है सबसे पहले आप क्या करोगे, आप निजामाबाद से कहां जाओगे? बीजापुर के आप आगे कहां जाओगे? दंतेवाड़ा का गीदम। और गीदम होते हुए आप कहां एंटर करोगे? बस्तर जिला। और मैंने आपको ये बताया था कि जब हम बस्तर जिला एंटर करेंगे तो सबसे पहले हमको एक पहाड़ मिलेगा और वो जो पहाड़ होगा उसका नाम क्या होगा? डांगरी डोंगरी पहाड़। तो सबसे पहले आपको पहाड़ मिलेगा, नाम क्या है? डांगरी डोंगरी पहाड़। उसी डांगरी डोंगरी पहाड़ी को क्रॉस करने के बाद आपको एक घाटी मिलेगा जिसका नाम क्या है? बस्तानार घाटी। मतलब बस्तर में हमको प्रवेश करना है अगर दंतेवाड़ा से NH-63 से तो सबसे पहले हमको एक घाटी मिलने वाला है जिसका नाम क्या है? बस्तानार घाटी। उसी बस्तानार घाटी को हम आगे बोलेंगे बड़े केलेपाल घाटी। उसी बड़े केलेपाल घाटी में आपको एक नाला मिलेगा जिसका नाम क्या होगा? तुवेर नाला। नाला होगा तुवेर नाला। और उसी तुवेर नाला में आपके दंतेवाड़ा जिला में एक जलप्रपात हमको मिलेगा, नाम क्या है? तुवेर नाला जलप्रपात। हालांकि आपको बस्तानार घाटी में भी एक जलप्रपात मिलेगा और इसी तुवेर नाला भी मिलेगा। और ये जो जलप्रपात होगा इसका नाम होगा बाघ मुंडी जलप्रपात। बस्तर जिला में तो सबसे पहले कौन सा पहाड़? बोल ही नहीं रहा, मैं आगे बढ़ूंगा। सुकमा पढ़ने के लिए पढ़ना है, अगर सुकमा पढ़ने तो बोलना पड़ेगा बॉस। NH-63 एंटर करोगे एक पहाड़ मिलेगा, कौन सा? डांगरी डोंगरी पहाड़। उसी डांगरी डोंगरी पहाड़ी में आपको कौन सा घाटी मिलेगा? बस्तानार घाटी। उसी बस्तानार घाटी को हम और क्या बोलेंगे? बड़े केलेपाल घाटी। उसी बड़े केलेपाल घाटी में एक नाला कौन सा? तुवेर नाला। तुवेर नाला में कौन सा वाटरफॉल? तुवेर नाला जलप्रपात। और एक और कौन सा है? बाघ मुंडी जलप्रपात। बाघ मुंडी जलप्रपात को देखने के बाद हम कहां जाएंगे? तोकापाल। कहां जाओगे आप? तोकापाल। जब हम तोकापाल जाएंगे तो तोकापाल में ये हमारे क्या था? तोकापाल। और इसी तोकापाल में हमारे पास क्या मिला था? पहाड़ मिला था, कौन सा? मंगलपुर की पहाड़ी। मंगलपुर की पहाड़ी में कौन सा चट्टान? किम्बरलाइट। अगर जहां किम्बरलाइट चट्टान होगा वहां क्या मिलेगा? हीरा। मतलब बस्तर में हीरा कहां मिलेगा? तोकापाल में। इसी मंगलपुर की पहाड़ी से दो नदी का उद्गम है, नाम क्या है? कोसल झोड़ी नाला और गंडदेव झोड़ी नाला। कौन सा? कोसल झोड़ी नाला और गंडदेव झोड़ी नाला। ये मिलकर क्या बनेगा? मड़वा नाला। और आपको यहाँ वाटरफॉल मिलेगा, कौन सा? मड़वा जलप्रपात। इसके बाद आपको यहाँ पर एक गुफा मिलेगा, नाम क्या है? अरण्य गुफा। और इस अरण्य गुफा का खोज कब होगा? 1996 है ना। फिर हम कहा जाएंगे? आगे बढ़ेंगे, कहा जाएंगे? जगदलपुर। जगदलपुर से फिर हम एक नेशनल हाईवे पकड़ेंगे, कौन सा? NH-30। NH-30 हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे। इसका निर्माण कब हुआ? 1988। उस समय नाम क्या था? NH-43। रीनंबरिंग कब हुआ? 2010। 2010 हमने क्या बोला? NH-30। आगे बढ़ेंगे, कहा जाएंगे? गरबा। लेकिन गरबा से पहले मुझे अपने का एक नेशनल पार्क, नाम क्या है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कांगेर घाटी नेशनल पार्क हम जाएंगे तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क का स्थापना कब हुआ? 1982। इसको हमने क्या बनाया? बायोस्फीयर रिजर्व। कब बनाया? 1985 को। लेकिन इसका बायोस्फीयर रिजर्व का जो क्या था श्रेणी का, वो क्या हो गया? रद्द कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके बाद हम देखने से अच्छा टोटल एरिया कितना है? 200 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 200 वर्ग किलोमीटर। कौन सी नदी बहती है? कांगेर नदी। कांगेर नदी में कौन सा वाटरफॉल? कांगेर धारा वाटरफॉल। ये कांगेर नदी आगे जाएगा, कहां जाएगा? भैंसाधारा। और भैंसाधारा में जाकर किससे मिल जाएगा? सबरी नदी से। जबकि सबरी से मिलेगा तो वहां क्या मिलेगा? एक झील, नाम क्या है? भैंसाधारा झील। और उसी भैंसाधारा झील में क्या मिलेंगे? मगरमच्छ। तो ये क्या है? मगरमच्छ संरक्षण केंद्र। इसके अलावा आपको यहाँ क्या मिलेगा? हिल मैना। हिल मैना जो है हमारे छत्तीसगढ़ क्या है? राजकीय पक्षी। इस राजकीय पक्षी का नाम क्या है? ग्रैकुला रेडिकुलोसा पेनिनसुला। क्यों है? क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ में कहाँ आता है? हमारे प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व में। प्रायद्वीपीय पठार में क्या मिलता है? हिल मैना। उत्तर के प्रायद्वीपीय, उत्तर के हिल मैना को हम क्या बोलते हैं? ग्रैकुला रेडिकुलोसा। क्या बोलते हैं? ग्रैकुला रेडिकुलोसा। दक्षिण में
ग्रैटी इंटरमीजिया, पूर्व में ग्रैकुला पेनिनसुलारिस और दक्षिण पूर्व में ग्रैटी अंडमानिस। तो ये क्या है? उत्तर पूर्व तो नाम क्या होगा? ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस। इसके बाद हम और घूमे थे, हम कोई पहाड़ में, तो नाम क्या था? गोपनपाल की पहाड़ी। उसी गोपनपाल की पहाड़ी में आपको एक जगह मिला राहुल, और राहुल के आगे क्या मिला आपको? कोटमसर। उसी में आपको आदमी मिलेगा, नाम क्या है? प्रोफेसर शंकर तिवारी। प्रोफेसर शंकर तिवारी यहाँ पर एक गुफा का खोज करने का 1951 को, हालांकि उससे पहले भी एक गुफा खोज कब हुआ था? 1901 को। लेकिन 1951 को प्रोफेसर शंकर तिवारी यहाँ पर आएंगे, और आने के बाद कितने दिन रहेंगे? 2 महीना। और 2 महीना रहने के बाद इसका क्या करेंगे? ये शोध करेंगे, और शोध करने के बाद बताएंगे कि यहाँ पर एक गुफा है, इसका नाम क्या है? कुटुम्बसर गुफा। हालांकि 1958 से लेकर 1966 तक भी क्या करेंगे? शोध कार्य करेंगे, और यहाँ पर 600 दिन बिताएंगे, और 600 दिन बिताने के बाद ये बताएंगे कि ये विश्व का ही नहीं पूरे भारत का ये सबसे गहरा क्या है? गुफा। और यहाँ पर आपको एक कुंड मिलेगा जिसका नाम क्या है? अप्सरा विहार। उसका एक और नाम क्या है? मोती कुंड। जहाँ क्या मिलेगा? अंधी मछली, और क्या? झिंगूर। और उसी झिंगूर का नाम क्या होगा? केपियोला संक्रांत। इसके अलावा यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? स्टेलेक्टाइट और स्टेलेक्टाइट की आकृति किसकी? चूना पत्थर का। मैंने कोई डिटेल में बस कल समझाया था उसको, और मैंने बताया था कि यहाँ पर स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमाइट की आकृति मिलने वाली। हालांकि बस्तर में जितने भी गुफा है सभी में स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमाइट की क्या मिलेगा? आकृति मिलेगा। लेकिन यहाँ पर विशेष क्या है? एक पिलर नुमा हमें क्या मिलता है? आकृति। और ऐसे पूरे विश्व में कितने जगह है? 7। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और वाटरफॉल मिलेगा, नाम क्या है? तीरथगढ़ वाटरफॉल। और तीरथगढ़ बनाने की नदी कौन सी है? मुंगरपहाड़ नदी, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची क्या है? जलप्रपात। इसके अलावा इसी तीरथगढ़ के आगे में आपको एक और वाटरफॉल का नाम क्या है? भुनभुनी वाटरफॉल। नाम क्या है? भुनभुनी वाटरफॉल। और भुनभुनी वाटरफॉल के आगे में आपको एक नदी मिलेगा जिसका नाम है कुंदरू नदी। क्या नदी है? कुंदरू नदी। और कुंदरू नदी भी एक जलप्रपात बनाएगा जिसका नाम क्या? चिकनर्रा जलप्रपात। और उसी चिकनर्रा जलप्रपात में आपको हरे रंग का क्या मिलेगा? सांप मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक और वाटरफॉल मिलता है, नाम क्या है? चिकनर्रा वाटरफॉल। और जो चिकनर्रा वाटरफॉल है वो किस नदी में? कुंदरू नदी में। इसके अलावा इसी कुंदरू नदी में आपको एक और वाटरफॉल मिलेगा जिसका नाम क्या है? झुलना दर्रा। नाम क्या है? झुलना दर्रा। तो झुलना दर्रा वाटरफॉल भी कहाँ मिलने वाला है आपको? कांगेर घाटी नेशनल पार्क। फिर हम कहाँ गए थे? यहाँ दरभा। दरभा में कौन सा पहाड़ था? तुलसी डोंगरी। उसी तुलसी डोंगरी पहाड़ के पास आपको एक गुफा मिला था, नाम क्या था? रानी गुफा। रानी गुफा के पास आपको एक मंदिर मिला था, नाम क्या था? चिंगी तरह शिव मंदिर। क्या मंदिर? चिंगी तरह शिव मंदिर। है ना, इतना हमने पढ़ा था। अब इसके आगे हमको बढ़ना था, और हमको एक नया जिले का शुरुआत करना था जिसका नाम क्या था? सुकमा। नाम क्या है? सुकमा। चलिए यहां स्टार्ट करते हैं हम सुकमा, और उसमें इसी ऐड कर लीजिएगा पोतनार, मांझी डोंगरी, केरला पाल और बाराजी। क्या? पोतनार, मांझी डोंगरी, केरला पाल और बाराजी, ये बस्तर जिले का चूना पत्थर का क्षेत्र है। ये मैंने छूट गया था, इसको आप लोग ऐड कर लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आराम से पढ़ना है हम लोग को, धीरे धीरे ताकि पूरी चीजें याद रहे। ठीक, चलो। तो अब भाई हमने एक जिला पढ़ा था, नाम क्या था? कांकेर। कांकेर के बाद हमने क्या पढ़ा? कोंडागांव। कोंडागांव के बाद हमने क्या पढ़ा? बस्तर। अब बस्तर के बाद जो हम अगला जिला पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? सुकमा। तो यहां से हम नया जिला स्टार्ट करेंगे, सुकमा जिला। जो नए बच्चे हैं उनके लिए सुकमा जिला ही इनका पहला क्लास है। ठीक है, जो पीछे छूटा हुआ है वो आज क्लास उनका कंप्लीट हो जाएगा। चलो, तो बात की जा रही है किसकी? सुकमा। तो ध्यान देना, जो सुकमा जिला है, इस सुकमा जिले का स्थापना 16 जनवरी 2012 को। तो 16 जनवरी 2012 को एक नया जिले का सृजन हुआ है, और ये जो जिला है इसका नाम क्या है? सुकमा। ये सुकमा जिला आपके छत्तीसगढ़ का कौन सा नंबर का जिला है? 23वें नंबर का जिला है। तो छत्तीसगढ़ का 23वें नंबर का जिला, इसको हम क्या बोलते हैं? सुकमा जिला। इस सुकमा जिले का जो स्थापना है वो कब हुआ है? 16 जनवरी 2012। जैसे कि हमको मालूम है भाई, 2012 में हमारे छत्तीसगढ़ में 9 नए जिलों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। उन्हीं 9 नए जिले में जो सबसे पहला जिला बना था वो क्या था? बालोद।
और जो आपका सुकमा है, ये सुकमा हमारे छत्तीसगढ़ का कौन सा नंबर जिला हुआ? देसुआ। कौन सा हुआ? देसुआ। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ का 23वें नंबर का जिला कौन सा है? सुकमा जिला। और इस सुकमा जिले का स्थापना कब हुआ? 16 जनवरी 2012। और 2012 में आपके छत्तीसगढ़ में कितने जिलों का निर्माण हुआ है? 9 नए जिलों का निर्माण हुआ। अब ये ध्यान देना, ये जो सुकमा जिला है, इस सुकमा जिले का नामकरण के पीछे, इस सुकमा जिला के नामकरण के पीछे एक परिवार है। और वो जो परिवार है उसके बारे में हमको ये सुनाई देता है कि जिस समय भारत में मराठों ने शासन किया, मराठा और पेशवा ने शासन किया, तो उस समय हुआ ये था कि वारंगल से कई जो जमींदार थे वो वारंगल से पलायन होकर उड़ीसा और दंडकारण्य प्रदेश की ओर पलायन किए। उसी में एक फैमिली थी जिसमें एक पिता थे, एक माँ थी और एक पुत्र था। ये तीनों नौ के सहारे, ये तीनों नौ के सहारे कहां पहुंचे? सुकमा की ओर। जब ये सुकमा की ओर पहुंच रहे तभी सबरी नदी के बीचों बीच, सबरी नदी के बीचों बीच एक भंवर पर ये क्या हो गए? फंस गए। तो सबरी नदी में एक क्या था? भंवर था। उसी भंवर में इनका नाव क्या हो गया? फंस गया। भंवर मतलब भंवरफुल। अब हुआ ये, इसी भंवर में, इस भंवर में अचानक से एक देवी माता प्रकट हुई। और ये जो देवी माता है, ये इन तीनों को बोली कि मुझे क्या चाहिए? मुझे बलि चाहिए। आप तीनों में से कोई ना कोई एक मुझे क्या दो? बलि दो, तभी जाकर आपकी नाव इस भवन से क्या होगा? आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो तीनों की क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी। तब जो पिता थे उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अपना क्या करता हूं? सैक्रिफाइस करता हूं। लेकिन पिता के ये बोलने से पहले ही जो पुत्र था वो उस भवन पर क्या कर दिया? छलांग मारा। और जैसे वो छलांग मारा, जैसे वो छलांग मारा, तो इस सबरी नदी में एक द्वीप का निर्माण हो गया। और इस द्वीप को हम क्या बोलते हैं? मुनिकुट्टा द्वीप। क्या बोलो? मुनिकुट्टा द्वीप। आगे हम पढ़ेंगे सुकमा, सुकमा के कोंडा के पास एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? मुनिकुट्टा द्वीप। क्या द्वीप है? मुनिकुट्टा द्वीप। तो यहां से उस बालक ने अपना लाइफ को क्या कर दिया? सैक्रिफाइस। फिर माता और पिता, उसी बालक के माता और पिता फिर वहां से आगे बढ़े। जब वो आगे बढ़े तब उनको एक पहाड़ मिला और पहाड़ का नाम था महादेव डोंगरी। क्या डोंगरी? महादेव। उसी महादेव डोंगरी के पास ये दोनों पति पत्नी उस नाव से उतरे। और नाव से उतरने के बाद उस महादेव डोंगरी के आगे एक गांव था जिसका नाम था राजा राम। क्या गांव था? राजा राम। उसी राजा राम गांव में ये पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद ये एक माता का वहां स्थापना करते हैं। एक्चुअली ये अपने साथ एक माता का मूर्ति लेके आए, कहां से? वारंगल से। और इस माता का नाम था चिटपिटिन दाई। क्या नाम था? चिटपिटिन दाई। तो उसी चिटपिटिन दाई का यहां पर क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। और स्थापना करने के बाद यहां पर क्या करेंगे? ये निवास करेंगे। और निवास करने के बाद ये माता को बोलेंगे कि अब हमारे जीवन में क्या आया? सुख आया। तो सुख और माँ के नाम से इस जिले का नाम क्या हुआ? सुकमा। नाम क्या हुआ? सुकमा। तो सुकमा में जो माँ है वो माँ कौन है? चिटपिटिन दाई। कौन है? चिटपिटिन दाई। और ये जो चिटपिटिन दाई है ये कहां से आई है? वारंगल से। तो वारंगल से एक प्रतिमा का यहां पर स्थापित किया गया है जिसका नाम क्या है? चिटपिटिन दाई। और इसी चिटपिटिन दाई के नाम से इस शहर का नाम क्या पड़ा? सुकमा। और इस सुकमा जिले का क्या हुआ? नाम है। ठीक है, तो जब हम सुकमा जिला ट्रेसिंग करेंगे तब हमको चिटपिटिन माता मंदिर मिलेगा। और चिटपिटिन माता मंदिर के अलावा हमको एक पहाड़ कहां से मिलेगा? महादेव डोंगरी। और महादेव डोंगरी के अलावा हमें एक क्या मिलेगा? एक आइलैंड मिलेगा जिसका नाम क्या है? मुनिकुट्टा आइलैंड। तो समझ में आई आप लोगों का नामकरण किसका? सुकमा का। तो फिर से मेरे पीछे बोलो भाई, सुकमा जिले का स्थापना कब? 16 जनवरी 2012। भाई चिल्लाना तो पड़ेगा, सुकमा जिले का स्थापना कब? 16 जनवरी 2012। सुकमा जिला हमारे छत्तीसगढ़ का कौन सा नंबर का जिला है? 23वें नंबर। 2012 में छत्तीसगढ़ में कितने जिले का निर्माण हुआ? और सुकमा जिला में हमको एक द्वीप मिलता है, नाम क्या है? और एक मंदिर मिलेगा, नाम क्या है? चिटपिटिन दाई का मंदिर। और ये मंदिर और ये माता जो है ये कहां से आई है? वारंगल से।
कहां से आई है? वारंगल से। और कौन से सदी में? जब मराठा और पेशवा युग के समय। क्लियर है ना? अब आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम यहां पर एक मैप बनाने वाले हैं, और ये जो मैप होगा ये किसका होगा? सुकमा। तो फिर से माता को बोलो कि माता हमें क्या करें? सुख प्रदान करें। तो यहां से चिपकटी माता को प्रणाम करते हुए जिला का हम क्या करेंगे? शुभारंभ करेंगे। चलिए, तो ये एक आपका मैप है, जिस मैप को हम क्या बोलेंगे? सुकमा। ये सुकमा को क्या है? ये मानचित्र है। अगर ये हमारा सुकमा है, ध्यान देना, अगर ये हमारा सुकमा है, तो सुकमा जिला अपने पूरे कहां पर? पूर्व में। अपने पूरे कहां पर? पूर्व में एक राज्य को स्पर्श करता हुआ नजर आएगा, और ये जो राज्य होगा इसका नाम क्या होगा? उड़ीसा। तो सुकमा जिला अपने पूर्व में एक राज्य को स्पर्श करता है, राज्य का नाम क्या है? उड़ीसा। ये उड़ीसा राज्य को अपने पूर्व में क्या करेगा? स्पर्श करेगा। अगर ये हमारा सुकमा जिला है, ध्यान देना, सुकमा जिला अपने पूरे दक्षिण में, अपने पूरे कहां पर? दक्षिण में एक जिले को स्पर्श करेगा, जिसका एक राज्य को स्पर्श करेगा, जिसका नाम क्या होगा? आंध्र प्रदेश, या सीमांध्र प्रदेश भी आप बोल सकते हो। तो ये क्या हो गया आपको? आंध्र प्रदेश। आपको मालूम होना चाहिए भाई, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का क्या हुआ था? विभाजन हुआ, और दो नए राज्यों का सृजन हुआ था। इसमें एक नाम क्या था? सीमा आंध्र या सीमांध्र, और एक क्या? तेलंगाना। ठीक है, तो उसी सीमांध्र को हम यहां क्या बोल रहे हैं? आंध्र प्रदेश। क्लियर है? तो भाई सुकमा जिला अपने पूर्व में कौन से राज्य को स्पर्श कर रहा है? उड़ीसा। अपने दक्षिण में आंध्र प्रदेश। इसके अलावा अगर ये हमारा सुकमा जिला है, तो ये अपने पूरे दक्षिण पश्चिम में एक राज्य को स्पर्श करने वाला है, जिसका नाम क्या है? तेलंगाना। नाम क्या है? तेलंगाना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये पूछ सकते हैं कि सुकमा जिला कुल मिलाकर 3 राज्यवर सीमा बनाता है। तो ये छत्तीसगढ़ का एक ऐसा जिला है जो 3 राज्यवर सीमा बना रहा है, और सुकमा जिला कौन कौन से राज्यों से राज्यवर सीमा बना रहा है? पहला उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, और क्या है? तेलंगाना। ध्यान देना, आपके छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 28 जिले हैं। उन 28 जिले में 2 ऐसे जिले हैं जो 3 राज्यवर सीमा बनाता है, एक आपका सुकमा और एक आपका बलरामपुर। बलरामपुर जिला भी 3 राज्यवर सीमा बनाने वाला क्या है? जिला है। बलरामपुर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड को स्पर्श करने वाला वो क्या है? जिला है। और उसी प्रकार से जो आपका सुकमा है, ये भी 3 राज्यवर सीमा बना रहा है, और ये 3 राज्यवर सीमा किसे किसे बना रहा है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और क्या बोलो? तेलंगाना। इसके अलावा अगर ये हमारा क्या है? सुकमा जिला। तो ध्यान देंगे, सुकमा जिला अपने पूरे पश्चिम में एक जिले को स्पर्श करता है, जिसका नाम क्या है? बीजापुर। नाम क्या है? बीजापुर। और यदि ये हमारा क्या है? सुकमा जिला। तो सुकमा जिला अपने पूरे उत्तर में एक जिले को स्पर्श करेगा, जिसका नाम क्या होगा? दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा को हम क्या बोलते हैं? उत्तरी बस्तर दंतेवाड़ा। कब से? 2003 से। हमको मालूम है दंतेवाड़ा जिले का निर्माण कब हुआ? 1998 में। और 2003 में से क्या हुआ? नामकरण हुआ। क्या बोले हमने? उत्तरी बस्तर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। और इसी दंतेवाड़ा से कार्व्ड आउट हुआ है क्या? सुकमा। तो सुकमा वास कार्व्ड आउट फ्रॉम दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑनली। तो दंतेवाड़ा जिला ही इसका क्या है? मातृ जिला है। किसका? सुकमा। तो सुकमा अपने उत्तर में कौन से जिले को स्पर्श करता है? दंतेवाड़ा। और अगर ये हमारा सुकमा है, तो ध्यान देना कि अपने पूरे उत्तर और उत्तर पूर्व में एक जिले को स्पर्श करेगा, जिसका नाम क्या होगा? बस्तर। तो आप मुझे बताओ कि सुकमा जिला कुल मिलाकर कितने जिले को स्पर्श कर रहा है? 3। क्या क्या? बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर। और कितना राज्यवर सीमा बना रहा है? 3। किसे किसे? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब क्या बोलो? तेलंगाना। तो इस प्रकार से हो सकते हैं कि हमारा सुकमा जिला 3 राज्यवर सीमा बनाता है और 3 जिलावर सीमा बना रहा है। और सुकमा जिला की मातृ जिला कौन सी है? दंतेवाड़ा।
और दंतेवाड़ा की मात्र जिला कौन सी है? बस्तर। कौन सी है? बस्तर। क्लियर है ये? अब आगे बढ़े, आगे बढ़ने से फिर से भाई आप मुझे बताओ कि सुकमा जिले का सामना कब हुआ? सुकमा जिले का सामना कब हुआ है? 16 जनवरी 2012। कौन से नंबर का जिला है? 23 नंबर का जिला। सुकमा जिला कितना जिला वर्ष में बना रहा है? 3। किसे किसे? बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर। और कितना राज्य वर्ष में बना रहा है? 3। किसे किसे? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। हमारे छत्तीसगढ़ में कितने ऐसे जिले हैं जो 3 राज्य वर्ष में बनाते हैं? 2। कौन कौन से? बलरामपुर और सुकमा। बलरामपुर किसे किसे राज्य वर्ष में बनाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। और सुकमा जिला में कौन सी माता है? चिटपिटिंदाई। चिटपिटिंदाई कहां से आई है? वारंगल। कौन सा डोंगरी है? महादेव डोंगरी। और कौन सा द्वीप है? मुनि कुट्टा द्वीप। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये हमारा सुकमा जिला है तो ध्यान देना इस सुकमा जिला में, इस सुकमा जिला में एक नेशनल हाईवे आता है और ये जो नेशनल हाईवे है इस नेशनल हाईवे का नाम है NH-30। क्या नाम है? NH-30। तो सुकमा जिला में प्रवेश करने के लिए हम कौन सा नेशनल हाईवे पकड़ेंगे? NH-30। और ये जो NH-30 है यह आपकी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी क्या है? नेशनल हाईवे। तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है वो कौन सा है? NH-30। तो ये क्या हो गया आपका? NH-30। और ये जो NH-30 है ये सुकमा के कितने तहसील को क्रॉस कर रहा है? 3। मतलब सुकमा में कितने तहसील है? 3। और 3 तहसील क्या है? ये आपका क्या हो गया पूरा? कोंटा। ये पूरा क्या हो गया? कोंटा। ये बीच का क्या हो गया? सुकमा। तो ये क्या हो गया आपका? सुकमा। और इधर में क्या हो गया आपका? छिंदगढ़। क्या बोलो? छिंदगढ़। तो आप मुझे बताओ कि आपके सुकमा जिला में कितने तहसील है? 3। और 3 तहसील क्या क्या है? कोंटा, सुकमा और छिंदगढ़। क्या क्या बताओ? कोंटा, सुकमा और छिंदगढ़। और ये तीनों तहसील हमारे क्या है? विकास खंड। और कैसे विकास खंड होंगे? ये आदिवासी विकास खंड। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बस्तर के जितने भी विकास खंड है वो सभी विकास खंड कैसे हैं? आदिवासी विकास खंड। सेम अप्लाई फॉर सरगुजा। सरगुजा संभाग में भी जितने भी आप क्या है विकास खंड वो सभी क्या है? आदिवासी विकास खंड। क्लियर है? तो कुल मिलाकर कितने तहसील है? 3। क्या क्या? कोंटा, सुकमा। क्या क्या है? कोंटा, सुकमा और छिंदगढ़। और कौन सा नेशनल हाईवे? NH-30। और ये हमारे पाकिस्तान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है? बिल्कुल नहीं, कहां का? छत्तीसगढ़। क्लियर है? और इस नेशनल हाईवे का पुराना नाम क्या है? NH-43। NH-43 का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1988। और इसका रीनंबरिंग कब हुआ? 2010। भारत में जितने भी नेशनल हाईवे हैं उन सभी नेशनल हाईवे का राष्ट्रीयकरण 1988 को हुआ और सभी का रीनंबरिंग कब हुआ? 2010 को। तो 2010 से इसको हमने क्या बोला? NH-30। और इसका पुराना नाम क्या है? NH-43। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ध्यान दें, जब कभी भी आप इस सुकमा में जाओ तो सुकमा में आपको एक पहाड़ी श्रेणी मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? एक पहाड़ी श्रेणी। और ये जो पहाड़ी श्रेणी है इस पहाड़ी श्रेणी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ? कौन बताएगा? टिकनापल्ली पहाड़ी। क्या पहाड़ी? टिकनपल्ली पहाड़ी या टिकनापल्ली का। क्या बोलो? टिकनपल्ली पहाड़ी। तो सुकमा में कौन सी पहाड़ी श्रेणी है? टिकनपल्ली पहाड़ी। क्या बोलो? टिकनपल्ली पहाड़ी। यही जो टिकनपल्ली पहाड़ी का जो श्रेणी है ये बीजापुर में जाकर इसको हम बोलते हैं अलबका पहाड़ी। क्या पहाड़ी? अलबका पहाड़ी। तो भाई बीजापुर में से नाम क्या हो जाएगा? अलबका पहाड़ी। ये अलबका पहाड़ी के को लेकर CGPSC 2018 में क्वेश्चन भी आया। 2018 में जो PSC में जो क्वेश्चन आया था उसमें अलबामा पहाड़ी बोले दिया। क्या लिखा था वो? अलबामा। ठीक है, तब हमने दावा किया था वो अलबामा नहीं, वो क्या है? अलबका है। क्या है? अलबका। और जितने भी जो लोग थे उस पहाड़ी को सुनकर अब कहा करते कि ये कौन सा पहाड़ी भाई, अलबामा या अलबका? ठीक है, लेकिन हमारे बच्चे बनाएंगे जबर क्या करते हैं दम अंदर का पढ़ रहे हैं। तो ये मुझे बताओ भाई यहाँ कौन सा पहाड़ी है? टिकनपल्ली। यहाँ क्या पहाड़ी है? अलबका। अलबका पहाड़ी कहाँ पर है? बीजापुर में। सुकमा में कौन सा पहाड़ी है? अलबामा पहाड़ी। तो सुकमा है उसका क्या? टिकनपल्ली पहाड़ी। तो सुकमा जिला कौन से पहाड़ी श्रेणी से घिरा हुआ है? टिकनपल्ली पहाड़ी श्रेणी से ये घिरा हुआ है। कौन सा आपका? सुकमा। अभी ध्यान दें,
अगर ये हमारा सुकमा जिला है, अगर ये हमारा सुकमा जिला है, तो सुकमा जिला का ये जो क्षेत्र है ये पहाड़ी से घिरा हुआ है, ये भी इसको बोलते हैं तुलसी डोंगरी। क्या डोंगरी? तुलसी डोंगरी। लेकिन तुलसी डोंगरी का जो मेजर पार्ट है वो कहां पर आता है? बस्तर। कहां पर आता है? बस्तर। इसी तुलसी डोंगरी में एक घाटी पड़ती है। इस घाटी को हम दरबा घाटी बोलते हैं, कहां पर? बस्तर में। और इसी घाटी को हम झीरा घाटी बोलते हैं, कहां पर? सुकमा। तो सुकमा में आपको एक घाटी मिलेगा जिसका नाम क्या है? झीरम घाटी। क्या मिलेगा आपको? झीरम घाटी। तो यहां घाटी का नाम क्या है? झीरम घाटी। बस्तर में क्या घाटी? दरबार घाटी। तो ध्यान दें, जब कभी भी आप इस बस्तर घाटी से झीरम घाटी की ओर आओ, घाटी तो एक ही है, जब कभी भी आप इस घाटी में जाओ तो इस घाटी में आपको कुछ लोग मिले, और ये जो लोग होंगे इनका नाम होगा नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल। क्या बोलो? विद्याचरण शुक्ल। और उदय मुदलियार। और कौन? उदय मुदलियार। ये बताएंगे कि भाई 23 मई 2013 में यहां पर नक्सलियों ने क्या किया? आक्रमण किया। किनके 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 काफिले में? छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं को यहां पर मारा गया। किनके द्वारा? नक्सलियों के द्वारा। कब? 23 मई 2013। तो 23 मई 2013 आपके छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही बड़ा यहां पर क्या होगा? घटना होगा, जहां छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े महान महान कांग्रेसी लीडर का यहां पर क्या होगा? निधन होगा। और ये किनसे? ये जो हमला है करने वाले कौन होंगे? यहां पर नक्सली होंगे। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि एक नक्सली क्षेत्र है कौन सा? आपका सुकमा। होगा ये कि 2013 में छत्तीसगढ़ का जो बीजेपी सरकार और छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस सरकार, ये दोनों एक यात्रा निकाले। बीजेपी सरकार यात्रा निकालेगी विकास यात्रा। क्या बोलो? विकास। वही जो कांग्रेस है तो कांग्रेस विकास यात्रा के विपरीत निकाले क्या? परिवर्तन यात्रा। क्या यात्रा? परिवर्तन यात्रा। तो होगा ये कि विकास यात्रा निकलेगा बीजेपी का 7 मई 2013। कब? 7 मई 2013। बीजेपी के किसी भी लीडर का कुछ भी नहीं होगा, हालांकि नक्सली इनकी ने भी वहां पर खड़े, लेकिन उस समय कोई भी वो कुछ भी ऐसा कुछ काम नहीं करने वाले। लेकिन अब क्या होगा? होगा ये कि उस समय का भारत सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों मिलकर नक्सलियों के खिलाफ एक एक्शन लेंगे। इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन ग्रीन हंट। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन ग्रीन हंट। जिसके तहत होता ये है कि 17 मई 2013 को SOG और कोबरा बटालियन ये सब मिलकर नक्सलियों को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन होगा ये कि कुछ ट्राइबल में वहां बन जाए, 8 आदिवासियों का यहां पर क्या हो जाएगा? मौत हो जाए। और 3 बच्चों को भी यहां पर क्या हो जाएगा? मौत हो जाए। जिसके बाद होगा ये कि इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे कौन? नक्सलवादी। और नक्सलवादी ये बोलेंगे कि पूरा का पूरा जो सुकमा है उसको हम क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। और कब बंद कर रहे हैं? 25 मई 2013 और 26 मई 2013। तो 25 मई और 26 मई 2013 का ये बंद किया गया था किनके द्वारा? नक्सलियों के द्वारा। लेकिन 25 मई को ही तो कांग्रेस का क्या निकल रहा था? परिवर्तन रैली निकल रहा। तो बंद था एक जगह, एक जगह नक्सली क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे। और वहीं पर कांग्रेसियों का क्या? 25 गाड़ियों का क्या निकला? काफिला निकला। और उसी काफिले में हुआ ये कि उस 25 गाड़ी का जो चौथा नंबर जो गाड़ी है उस पर क्या हुआ? एक ब्लास्ट हुआ। और ब्लास्ट होने के बाद जितने भी जो नक्सली हैं वो सभी नक्सली इन 200 के 200 जो कांग्रेसी लीडर है उनको क्या कर लिए? पकड़ लिए। और पकड़ने के बाद जो बड़े बड़े लीडर थे उनको मौत के घाट उतार दिया। इसमें एक का नाम क्या था? महेंद्र कर्मा। ये महेंद्र कर्मा मुर्दाबाद हो गए, क्योंकि महेंद्र कर्मा ने 2005 में सलवा जुड़ूम प्रारंभ किया नक्सलियों के खिलाफ। और महेंद्र कर्मा को हम क्या बोलते हैं? बस्तर का टाइगर। क्या होते हैं? बस्तर का टाइगर। महेंद्र कर्मा के अलावा नंद कुमार पटेल आपके छत्तीसगढ़ के पहले क्या थे? गृह मंत्री थे। और उनके पुत्र दिनेश पटेल,
और उसके अलावा कौन? उदय मुदलियार। उदय मुदलियार जो राजनांदगांव के विधायक रह चुके। तो हुआ ये था कि इन सभी को पकड़ा गया। नंद सबसे पहले महेंद्र कर्मा को मारा गया, उसके बाद विद्याचरण शुक्ल जो है उनको भी गोली लगी। जब उनको गोली लगी तो उनके जो गार्ड थे, इनका नाम था प्रफुल्ल शर्मा, वो अपने आप को क्या कर दिए? शूट आउट कर दिए वही सी जगह, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि मैंने अपने मालिक कौन है विद्याचरण शुक्ल को बचाना। कौन? प्रफुल्ल शर्मा। और विद्याचरण शुक्ल की जो मृत्यु है वो 11 जून 2013 को हुआ, वहां पर मैदान था। और महेंद्र कर्मा कवासी लकमा और कवासी लकमा नंद कुमार पटेल और दिनेश पटेल, इन तीनों को क्या कर लिया गया? अपहरण कर लिया गया। और अपहरण करने के बाद कवासी लकमा को छोड़ दिया गया और महेंद्र और नंद कुमार पटेल और उनके पुत्र दिनेश पटेल को मार दिया। ये पूरा कांड कब हुआ है? 25 मई 2013। क्या बोलो? 25 मई 2013। और जो नक्सली हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे किसी खिलाफ? ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ। और ऑपरेशन ग्रीन हंट के अलावा 17 मई को जो वारदात हुआ था उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया था? बंद रखा था। लेकिन यहां पर हुआ क्या कि कांग्रेस की रैली वहां से निकली और उस रैली में सभी को मौत के घाट उतारा गया। और ये बहुत बड़ा घटना है कहां पर? झीरम घाटी और दरभंगा। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ आपके सुकमा में जो जाने वाला जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा है? NH30 में प्रवेश करेंगे तो क्या मिलेगा? झीरम घाटी। क्या मिलेगा आपको? झीरम घाटी। ऊपर में कौन सा पहाड़ है? तुलसी डोंगरी। क्या डोंगरी? तुलसी डोंगरी। अब ध्यान देना, ये जो झीरम घाटी, इसी झीरम घाटी के पास आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम होगा सोना कुकनार। क्या बोलो? सोना कुकनार। तो यहीं पर आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम क्या है? कुकनार या सोना कुकनार। अब ये जो सोना कुकनार या ये जो कुकनार है, इस कुकनार में आपको एक खनिज मिलेगा और ये जो खनिज होगा इसको मैं बोलूंगा कोरंडम। क्या बोलूंगा मैं? कोरंडम। तो सुकमा जिला में आपको कोरंडम कहां मिलेगा? कुकनार में। कुकनार को हम क्या बोलेंगे? सोना कुकनार। तो NH30 एंटर करोगे क्या मिलेगा? झीरम घाटी। झीरम घाटी में एक जगह नाम क्या है? सोना कुकनार। और सोना कुकनार में आपको क्या मिलने वाला है? कोरंडम। क्या बोलो? कोरंडम। अब ध्यान देना, कोरंडम आपको यहां क्यों मिलता है? क्योंकि यहां पाए जाने वाले जितने भी जो चट्टान है वो सभी चट्टान फेल्सपर है। क्या है? फेल्सपर। मैं पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी, उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास 6 क्या है? प्राइमरी मिनरल है। 6 प्राइमरी मिनरल क्या होता है? ऑलिविन्स, एम्फीबोल्स, पैरोक्सिन्स, माइका और फेल्सपर और क्वार्टजाइट। ये जो प्राइमरी मिनरल्स है इसी से बाकी अन्य मिनरल निकलते हैं। तो आपको यह ध्यान देना होगा कि जहां पर फेल्सपर होता है वहां हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है हमें? टीन मिलता है। क्या मिलता है हमें? टीन। और टीन के अलावा आपको क्या मिलता है? कोरंडम। अगर यहां पर फेल्सपर चट्टान है तो समझ जाना कि आपके सुकमा में हमें क्या मिलने वाला है? कोरंडम मिलने वाला है। और कोरंडम के अलावा हमें क्या मिलने वाला है? टीन भी मिलने वाला है। सुकमा जिला टीन के लिए बहुत ज्यादा क्या है? फेमस है। और टीन का जो आयस्क होता है वो क्या होता है? कैसेटराइट। क्या होता है? कैसेटराइट। वो आगे हम पढ़ेंगे। तो आप मुझे बताओ, सुकमा जिला एंटर करोगे क्या मिलेगा? झीरम घाटी। झीरम घाटी कांड कब हुआ? 25 मई 2013। और बस्तर का टाइगर कौन है? महेंद्र वर्मा। छत्तीसगढ़ का पहला गृह मंत्री कौन है? नंद कुमार पटेल। कौन है? नंद कुमार पटेल। और इस 25 मई 2013 की दुर्घटना में किसने अपने आप को शूट आउट किया? प्रफुल्ल शर्मा, जो किसके पीएसओ थे? विद्याचरण शुक्ल के। विद्याचरण शुक्ल की मृत्यु कहां पर हुई? दिल्ली में। कब हुई? 11 जून 2013 मेदांता हॉस्पिटल में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी ध्यान देना, अगर मैंने बोला क्या? कोरंडम। मैंने क्या बोला? कोरंडम। तो कोरंडम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Al2O3। क्या होता है? Al2O3। कोरंडम एक प्रकार का क्या है? एल्यूमिना। क्या है? एल्यूमिना। अभी ध्यान देना, अगर मैंने क्या लिखा है? Al2O3। अगर इसी Al2O3 में मैं लिख दूं 2S2O, लिख दूं मैं 2S2O, तो ये क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है? Al2O3.2S2। क्या है? Al2O3.2S2।
लेकिन अगर मैं यहाँ पानी नहीं लिखता हूँ और मैं खाली करता हूँ Al2O3 तो क्या है कोरंडम, क्या है कोरंडम। और कोरंडम के कितने प्रकार होते हैं दो, क्या क्या लाल, क्या बोलो लाल और क्या नीला। लाल को हम क्या बोलते हैं माणिक, क्या बोलते हैं माणिक, माणिक मतलब क्या रूबी, माणिक मतलब क्या रूबी। और नीला को क्या बोलते हैं नीलम, और नीलम मतलब क्या सफायर। तो माणिक और नीलम, नीलम मतलब क्या नीला कोरंडम, और माणिक मतलब क्या लाल कोरंडम। माणिक को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं रूबी, और नीलम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सफायर। तो कोरंडम के कितने प्रकार दो, क्या क्या रूबी और सफायर। प्रकार तो और भी बहुत सारे होते हैं, वो मैं देर से बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी फिलहाल दो जानू, क्या क्या नीला और लाल। नीला क्या है माणिक, नीला क्या है माणिक, नीला माणिक, नीला क्या है नीलम, और लाल क्या है माणिक। तो आप मुझे बताओ कि आपको सुकमा जिला में वो कौन सा जगह था आपको कोरंडम मिलने वाला है, सोना कुकना, क्या है वो सोना कुकना, क्लियर है। और आप मुझे बताओ कि जब कभी भी आप माणिक पहनोगे, माणिक की अंगूठी पहनोगे और उसे अगर आप स्नान करोगे, तो अगर माणिक की अंगूठी में अगर पानी आ जाएगा तो क्या उसका बॉक्साइट बोलोगे, नहीं ये बिल्कुल वैसा नहीं होगा, है ना, वो अलग कंपोजिशन। भाई जानो Al2O3.2H2O क्या होता है बॉक्साइट, और पानी नहीं रहा तो क्या हो गया कोरंडम, क्या हो गया कोरंडम, क्लियर है ये। तो यहां हमें क्या मिला कोरंडम। जैसे हम यहां से आगे बढ़े तो इसके ठीक आगे आपको एक जगह मिलता है जिसका नाम क्या है रॉकेल, की जगह है रॉकेल। तो आगे में आपको क्या जगह मिलेगा रॉकेल, और वो जो रॉकेल होगा, वो जो आपका क्या होगा रॉकेल होगा, उस रॉकेल में भी आपको क्या मिलेगा कोरंडम मिलेगा, क्या मिलेगा आपको कोरंडम। तो पहले कोरंडम कहां मिलेगा आपको सोना कोकना, और सोना कोकना के आगे क्या मिलेगा रॉकेल। जैसे हम इस रॉकेल से आगे बढ़ोगे तो रॉकेल के ठीक आगे में आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम क्या होगा छिंदगढ़, नाम क्या होगा छिंदगढ़। तो आगे आपको क्या मिलेगा छिंदगढ़, और जैसे अभी छिंदगढ़ जाओगे, जैसे अभी छिंदगढ़ जाओगे तो ध्यान देना, जब कभी भी आप छिंदगढ़ जाओगे तो छिंदगढ़ से 20 किलोमीटर पूर्व में, कितने किलोमीटर पूर्व में 20 किलोमीटर पूर्व में एक नदी बह रही होती है जिसका नाम क्या है सबरी नदी। तो ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है ना उड़ीसा और किसका सुकमा या छत्तीसगढ़ का, ये एक्चुअली एक नदी है, नाम क्या है सबरी नदी, नाम क्या है सबरी। तो छिंदगढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी में आपको एक नदी मिलने वाली है जिसका नाम क्या है सबरी। मैंने जब बस्तर आपको पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि सबरी नदी है, सबरी नदी का जो उद्गम है वो कहां से है, वो कहां से है कोरापुट, कोरापुट में एक पहाड़ है जिसका नाम है सिंकारा पहाड़, क्या पहाड़ सिंकारा। जैसे कि अगर आप कोरापुट के ऊपर आप जाओ तो क्या मिलेगा कालाहांडी, कालाहांडी में मुंगेर पर्वत, क्या पर्वत है मुंगेर, मुंगेर पर्वत से एक नदी का उद्गम है नाम क्या है इंद्रावती। वैसे सिंकारा पहाड़ी से एक नदी का उद्गम है नाम क्या है सबरी, ये मैंने आपको बता चुका है। तो क्या यहां यहां देखो, ये मान लो क्या आपका कोरापुट, ये क्या आपका कोरापुट, और ये क्या आपका कालाहांडी, कालाहांडी में एक पहाड़ के नाम क्या है मुंगेर पर्वत, मुंगेर पर्वत से एक नदी का उद्गम है नाम क्या है इंद्रावती, क्या नाम है इंद्रावती। वही कोरापुट में एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है सिंकारा हिल, क्या पहाड़ी है सिंकारा का, और उसी पहाड़ी से एक नदी का उद्गम से नाम क्या है सबरी, क्या नाम है सबरी। और यह भी ध्यान देना इंद्रावती में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो इस पानी को डाइवर्ट किया गया कहां पर सबरी में, और इंद्रावती का जो पानी है वो कहां पर आ रहा है सबरी में आ रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर किसमें आ रहा है सबरी में, और ये नाला के थ्रू आ रहा है जिसका नाम है जोआरा नाला, क्या नाला जोआरा। तो जोआरा नाला किसके बीच में है इंद्रावती और सबरी के बीच, और इंद्रावती का जो पानी है वो किसको मिल रहा है सबरी, किस नाला के तहत जोआरा नाला, क्या नाला जोआरा नाला, क्लियर है। और यही जो सबरी है ये आगे चलकर कहां आने वाली है बस्तर से सुकमा, कहां आने वाली है बस्तर से सुकमा, और छिंदगढ़ जो है उस छिंदगढ़ से इस नदी की दूरी कितनी है 20 किलोमीटर की दूरी है 20 किलोमीटर। तो होगा ये जब आप छिंदगढ़ से 20 किलोमीटर दूर जाओगे कहां पर सबरी नदी, तो होता ये कि इस रास्ते में आपको तीन घाटी मिलेगा, कितनी घाटी मिलेगा तीन घाटी,
जो पहला घाट है उसको हम बोलते हैं भीमसेन घाट। क्या घाट? भीमसेन घाट। तो चिंदगढ़ के आगे में आपको एक घाट मिलता है, इसका नाम क्या है? भीमसेन घाट। किसी किताब में आपको नहीं मिलने वाला। चिंदगढ़ से आप आगे बढ़ोगे कौन सा घाटी? भीमसेन घाटी। क्या घाटी? भीमसेन घाटी। उसी भीमसेन घाटी को जब आगे बढ़ोगे तो आपको एक और घाटी मिलेगा जिसका नाम है पुष्पाल घाटी। क्या घाटी? पुष्पाल घाटी। तो पहला घाटी कौन सा है? भीमसेन घाटी। और भीमसेन घाटी के आगे में कौन सा घाटी है? पुष्पाल घाटी। पुष्पाल घाटी के आगे में भी आपको एक घाटी मिलेगा और वो जो घाटी होगा उसका नाम होगा कोइराला घाटी। क्या घाटी? कोइराला घाटी। नॉट टू बी कंफ्यूज विद मनीषा कोइराला, वो नेपाल में, वो नेपाल की। ये क्या है? सुकमा। तो आपको यहाँ पर तीन घाटी मिलेगा। नाम क्या? पहला भीमसेन घाटी, फिर नाम क्या है? पुष्पाल घाटी, फिर नाम क्या है? कोइराला घाटी। ध्यान देना, ये सब क्वेश्चन मान लो पूछ दिया तो वो आप ही लोग होंगे जो इसको सॉल्व करके, ठीक है। आप मुझे बताओ कि छिंदगढ़ से सबरी नदी की दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। बोलो बड़े बॉस, छिंदगढ़ से सबरी की दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। इस 20 किलोमीटर के रास्ते में आपको कितने घाटी मिलेगा? तीन घाट। पहला घाटी कौन सा है? भीमसेन घाटी। पहला कौन सा है? भीमसेन घाटी। भीमसेन घाटी के आगे में कौन सा है? पुष्पाल घाटी। और पुष्पाल घाटी के आगे में कौन सी घाटी है? कोइराला घाटी। मनीषा कोइराला घाटी बिल्कुल नहीं, कौन सा घाटी? कोइराला घाटी। फिर बोलो, छिंदगढ़ से सबरी कितनी दूरी? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर की दूरी में सबसे पहला कौन सा घाटी? भीमसेन घाटी। क्या घाटी? भीमसेन। भीमसेन घाटी के आगे में कौन सा घाटी? पुष्पाल घाटी। क्या घाटी? पुष्पाल घाटी। पुष्पाल घाटी के आगे में कौन सा घाटी? कोइराला घाटी। कोइराला घाटी। और जैसे अभी कोइराला घाटी से सबरी नदी नीचे गिरी, जब सबरी नदी नीचे गिरेगी मतलब एक वॉटरफॉल बनाएगा और इस वॉटरफॉल को हम ये बोलेंगे क्या? रानी दरहा वॉटरफॉल। क्या वाटरफॉल? रानी दरहा वाटरफॉल। तो आपके सुकमा में एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है? रानी दरहा जलप्रपात। और जो रानी दरहा जलप्रपात है वो उसका निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? सबरी। और वो कौन सी गांव में है? ताल नार। मैं फिर से वापस जाऊं, नहीं बोलो मैं खत्म नहीं होने वाला। चलो स्टार्टिंग करेंगे। सुकमा जिले का स्थापना कब? सुकमा जिले का स्थापना कब? 16 जनवरी 2012। कौन सा नंबर का जिला? 23 नंबर का जिला। इस सुकमा जिला में प्रवेश करने के लिए कौन सा नेशनल हाईवे? NH30 पे प्रवेश करेंगे कौन सा घाटी? जीरा घाटी। क्या घाटी? जीरा घाटी। जीरम घाटी दरबा घाटी में कौन सा कांड? जीरा घाटी दरबा घाटी कांड कब का? 25 मई 2013। आगे बढ़ेंगे, कहां जाएंगे? सोना पुकनार। सोना पुकनार में क्या मिलेगा? कोरंडम। कोरंडम कितने प्रकार? दो। क्या क्या? लाल और नीला। लाल को हम क्या बोलेंगे? माड़े। नीला क्या है? नीलम। नीला क्या है? नीलम। और फॉर्मूला क्या है? Al2O3। Al2O3.2H2 क्या होता है? बॉक्साइट। यहां बॉक्साइट मिलेगा नहीं, यहां पर क्या मिलेगा? कोरंडम। आगे बढ़ेंगे कहां जाएंगे? रॉकेट। और क्या रॉकेट में? रॉकेट मिलेगा? मिल सकता भाई, तस्वीर होंगे, लेकिन यहां पर क्या मिलेगा? कोरंडम। फिर कोरंडम से आगे बढ़ेंगे कहां जाएंगे? छिंदगढ़। और छिंदगढ़ जब हम जाएंगे तो छिंदगढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी में एक नदी हमको मिलेगा जो कि एक माता के नाम से, जिन्होंने भगवान राम को झूठे बेर खिलाए थे, वो कौन है? सबरी माता। और इसी सबरी माता को या इसी सबरी नदी को हम उड़ीसा में क्या बोलते हैं? कोलाब नदी। और इस कोलाब नदी का जो उद्गम है वो कहां से? कोरापुट से। कौन से पहाड़ से? सिंगारा पहाड़ी से। इस सबरी नदी को पानी देने वाला नदी कौन सा है? इंद्रावती। कौन से नाला से? ज्वारा नाला से। क्या नाला से? ज्वारा नाला से। तो इस सबरी नदी में पानी आएगा और सबरी नदी से मुलाकात होगा आपको कहां पर? छिंदगढ़ के पास। कितनी दूरी में? 20 किलोमीटर। उस 20 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए कितने घाटी? तीन घाटी। क्या क्या घाटी? भीमसेन घाटी,
पुष्पाल भाटी और कोयराला घाट। आगे में कौन सा गांव? तालनार। तालनार में क्या है? जलप्रपात। नाम क्या है? रानी दरहा जलप्रपात। नाम क्या है? रानी दरहा जलप्रपात। आप ये ध्यान देना, आपके छत्तीसगढ़ में ऐसे तीन जलप्रपात हैं और तीनों जलप्रपात की एक ही कहानी। कहानी ये कि कोई एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम था रानी पद्मावती। अब पद्मावती तो बहुत कॉमन नाम है। अब पद्मावती से आप कंफ्यूज मत हो जाना दीपिका पादुकोण से। दीपिका पादुकोण वो जो पकड़ाई हुई थी क्या लेते हुए ड्रग्स, तो वो नहीं। यहां प्रकार क्या है, एक रानी पद्मावती। अब रानी पद्मावती से समस्या ये है कि कोई एक रानी पद्मावती जरूर जो दुश्मनों से बचते बचते अपना जान ली और वो एक नदी में छलांग लगाई थी और छलांग लगाने के बाद वहां पर एक जलप्रपात का निर्माण हो गया। अब तीनों आप देखो, एक मैंने बोला रानी दरहा, तो रानी दरहा की भी वही कहानी है कि एक जमाने एक समय की बात है कि एक रानी पद्मावती थी और रानी पद्मावती यहां डूब के मर गई, रानी दरहा गई और दरहाने के कारण इसका नाम क्या हुआ? रानी दरहा। फिर अब चले जाओ जसपुर में। जसपुर अब जब जाओगे रायगढ़ से पत्थलगांव कांसा बेल बंदर चुआ कुनकुरी होते हुए जब आगे बढ़ोगे आप कहां जाओगे? कहां जाओगे आप? कहां जाओगे? जसपुर। नहीं अब जसपुर नहीं जाना। जसपुर से पहले एक घाट मिलता है लोरो घाट। लोरो घाटी से पहले आपको एक जगह मिलती है जिसका नाम है इचकेला। क्या केला? इचकेला। ऐसा केला जो इच करता है नहीं, लेकिन फिर भी नाम क्या है? इचकेला। उसी इचकेला में एक नदी बहती है जिसका नाम है श्रीनाला। क्या नाला? श्रीनाला। और उसी श्रीनाला में भी रानी पद्मावती क्या हुई थी? डूब के मर गई थी। तो वहां पर भी एक वाटरफॉल है जिसका नाम क्या है? रानी दह वाटर। नाम क्या है? रानी दरहा वाटर। तो एक रानी दरहा है जो कहां पर है? सुकमा। और एक रानी दह है जो कहां पर है? जसपुर के इचकेला। ऐसी सेम कहानी इस बार कहां पर है? कवर्धा। कहां पर है? कवर्धा। कवर्धा में भी कोई एक रानी पद्मावती थी जो डूब के मर गई थी, तो वहां पर भी एक जलप्रपात उसका नाम क्या है? रानी दहरा। क्या नाम है? रानी दहरा। तो नॉट टू बी कंफ्यूज विद दरहा दहरा और दह। अगर मैंने बोला दरहा, मैंने क्या बोला? दरहा। रा पहले आ गया दरहा, तो कहां पर है? सुकमा। अगर मैंने बोला दहरा, मैंने क्या बोला? दहरा, तो कहां पर है? कवर्धा। अगर मैंने बोला दह, तो कहां पर है? जसपुर। तो जब एग्जाम मान लो पीएससी में ये आता है तो स्पेलिंग को जरूर देखना। दरहा लिखा है कि दहरा लिखा है? दहा तो पकड़ लिया। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि रानी दरहा जलप्रपात कहां पर? बोलना पड़ेगा भाई सबको। रानी दरहा कहां पर? सुकमा। रानी दरहा कहां पर? सुकमा। तो रानी दरहा कहां पर? सुकमा। रानी दरहा कहां पर? सुकमा। रानी दहरा कहां पर? कवर्धा। रानी दरहा कहां पर? सुकमा। कवर्धा बोल रहे हो। रानी दरहा सुकमा, रानी दहरा कवर्धा, रानी दहरा कवर्धा और रानी दरहा सुकमा और रानी दह इचकेला जसपुर। तो इचकेला जसपुर में क्या? रानी दहरा, रानी दह। क्या है? रानी दह। तो आप मुझे बताओ जसपुर में कौन सा वाटरफॉल? रानी दह। कवर्धा में कौन सा? रानी दहरा। और सुकमा में कौन सा? रानी दरहा। और रानी दरहा में जाने के लिए कहां जाओगे? कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। कौन सा नार? ताल नार। ताल नार कितने घाटी? 3। क्या क्या? भीम से घाटी, पुष्पाल घाटी और कोयराला। क्लियर है? चलो ऑफिस आ जाओ वहां पर छिंदगढ़ में। अब मुझे क्या करना है कि छिंदगढ़ से आगे बढ़ना। जब मैं इस छिंदगढ़ से आगे बढ़ूंगा, जब मैं इस छिंदगढ़ से आगे बढ़ूंगा तो छिंदगढ़ के ठीक आगे में मेरे को एक जगह मिलेगा जो कि जिला मुख्यालय होगा और इसका नाम क्या होगा? सुकमा। क्या नाम होगा? सुकमा। और इसी सुकमा में ये जो पहाड़ी श्रेणी है जिसका नाम क्या है? टिकनापल्ली। क्या पहाड़ी? टिकनापल्ली।
तो टिकनापल्ली पहाड़ी श्रेणी कहां पर है? सुकमा में। कहां पर है? सुकमा। इसी टिकनापल्ली पहाड़ी श्रेणी में आपको एक पहाड़ मिलेगा जिसका नाम होगा महादेव डोंगरी। तो सुकमा शहर किस पहाड़ के नीचे में है? महादेव डोंगरी। तो सुकमा शहर किस पहाड़ के नीचे है? महादेव डोंगरी के नीचे। अभी ध्यान दें, जब कभी भी इस महादेव डोंगरी में आप जाओगे, जब कभी भी आप इस महादेव डोंगरी में आप जाओगे तो आपको होगा क्या कि आपको इस दंतेवाड़ा से एक नदी आएगी। इस नदी को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। कई लोग तो अपने पुस्तक में इसी को सबरी बोलते हैं और ये बोलते हैं कि सबरी नदी का उद्गम बैलाडीला पहाड़ी से, जो बिल्कुल गलत है। सबरी नदी का उद्गम बैलाडीला से कैसे हो सकता है भाई? वो कहां से है? उड़ीसा से। एक्चुअल में ये भी बैलाडीला पहाड़ी से एक नदी का उद्गम है। और ये जो नदी है ना, इस ये नदी को हम बोलते हैं फूल नदी, नदी फूल नदी। तो भाई सुकमा शहर किस नदी के किनारे है? फूल नदी के किनारे। ये ध्यान देना, किसी किताब में नहीं मिलेगा। सुकमा शहर किस नदी के किनारे है? फूल नदी के किनारे। और जो फूल नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है? सबरी नदी। तो सबरी नदी की एक सहायक नदी आपको मिल जाती है जिसका नाम क्या है? फूल नदी। और ये फूल नदी जो है ये क्या है? सुकमा शहर के किनारे में बहती है। तो सुकमा शहर के किनारे कौन सी नदी बहती है? फूल नदी। क्लियर है? और कौन सा डोंगरी? महादेव डोंगरी। क्या डोंगरी? महादेव। अब आपको वो कहानी याद है जिस कहानी से मैंने प्रारंभ किया था? पति पत्नी यहां पर आए थे। कहां पर आए थे? महादेव डोंगरी। और महादेव डोंगरी से कहां गए थे? राजा राम। और राजा राम ने माता को क्या बोले थे? क्या बोले थे? अब मुझे यहां क्या मिल रहा है? सुख मिला। तो नाम क्या हुआ? सुकमा। तो ये ध्यान देना कि इसी सुकमा में एक जगह है जिसका नाम क्या है? राजा राम। इसी राजा राम के पास नदी कौन सी है? फूल नदी। और इसी फूल नदी के किनारे में आपको एक मंदिर मिलता है और ये जो मंदिर होगा इसका नाम क्या है? चिटपिटी दाई मंदिर। तो सुकमा में जाकर आप कौन सी माता को प्रणाम करोगे? चिटपिटी दाई मंदिर। और चिटपिटी माता जो है वो कहां से आई है? वारंगल से। कहां से आई है? वारंगल से। तो आप मुझे बताओ कि सुकमा में कौन सा डोंगरी? महादेव डोंगरी। तो सुकमा में कौन सा डोंगरी? महादेव डोंगरी। कौन सी नदी? फूल नदी। कौन सी नदी है? फूल नदी। कौन सा जगह? राजा राम। राजा राम में कौन सा मंदिर? चिटपिटी दाई मंदिर। और चिटपिटी माता कहां से आई है? वारंगल से। कहां से आई है वो? वारंगल से। ये जो सुकमा है, इस सुकमा में छत्तीसगढ़ का पहला साइंस पार्क की स्थापना की गई। जो छत्तीसगढ़ का जो पहला साइंस पार्क, छत्तीसगढ़ का पहला साइंस पार्क का जो स्थापना है वो कहां पर हुआ है? सुकमा में हुआ है। कहां पर हुआ है? सुकमा। तो सुकमा में कौन से पार्क का स्थापना हुआ? साइंस पार्क। कौन से पार्क का? साइंस पार्क। अभी ध्यान देना, इसी सुकमा के पास जहां पर सुकमा किसे मिल रही है? सबरी से। तो क्या होता है, याद रखना हमेशा, जब कभी भी नदी किसी नदी से मिलती है, ये नदी जब अपने अंतिम अवस्था में आती है तो उसके बहुत सारे क्या बनते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। क्योंकि नदी का जो पानी है वो नदी हमेशा यहां पर क्या होता है? चौड़ा हो जाता है। क्या होता है? चौड़ा। तो अब यहां पर जो नदी है वो क्या हो जाएगी? चौड़ी। तो नदी जब चौड़ी होगी तो सब कुछ बैक वाटर आजू बाजू निकलेगा। तो ध्यान देना, जब इस सुकमा में प्रवेश करेगी कौन सी नदी? फूल नदी। तो इसी पहाड़ के पास कुछ पानी इसका क्या होता है? जम जाता है। और ये जो पानी का, इस पानी से एक झील का निर्माण हो जाता है या एक डैम का निर्माण हो जाता है, एक प्राकृतिक बांध का निर्माण हो जाता है। इस प्राकृतिक बांध को हम बोलते हैं तुंगला जलाशय। क्या जलाशय? तुंगला जलाशय। तो ध्यान देना, इस सुकमा में आपको एक जलाशय मिलेगा जिसका नाम क्या है? तुंगला जलाशय। तो तुंगला जलाशय कहां पर है? कहां पर है? सुकमा। कहां पर है? सुकमा। तो सुकमा में आपको एक जलाशय मिलेगा जिसका नाम क्या है? तुंगला जलाशय। ठीक है, ये इको टूरिज्म पॉइंट क्या है? सुकमा शहर का इको टूरिज्म सेंटर भी है। ये इको टूरिज्म पॉइंट है कौन सा आपका? तुंगला जलाशय। तो आप मुझे बताओ सुकमा जिले का स्थापना कब? अगर एग्जाम निकाला सबको बोलना पड़ेगा सुकमा जिले का स्थापना कब? 16 जनवरी 2012। कौन से नंबर का जिला? सुकमा शहर में या सुकमा जिला में कौन सी पहाड़ी श्रेणी? टिकनापल्ली। क्या बोलो? टिकनापल्ली पहाड़ी। सुकमा जिला में एंटर करने के लिए कौन सा नेशनल हाईवे? NH30।
NH30 में प्रवेश करेंगे कौन सा घाटी? जीरम घाटी। ऊपर में बस्तर में दरबा घाट। जीरम घाटी कौन सा? जीरम घाटी में जो कांड हुआ कब हुआ? 25 मई 2013। बस्तर का टाइगर ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑपरेशन ग्रीन हंट। आपको पता है कोबरा बटालियन, ग्रेहाउंड बटे बटालियन, एसओजी मालूम है? डिटेल में बताऊंगा आपको, है ना? अभी पहले सुन लेना, ये क्या आपका जीरम घाटी। जीरम घाटी के आगे में क्या? सोना कुकनार। सोना कुकनार जो है, उस सोना कुकनार में क्या मिलेगा आपको? कोरंडम। क्या मिलेगा आपको? कोरंडम। कोरंडम का फॉर्मूला क्या है? A2O3। क्या आपका? A2O3। आगे में क्या मिलेगा? रॉकेट। रॉकेट में क्या है? कोरंडम। फॉर्मूला क्या है? Al2O3। कितने प्रकार? दो। क्या क्या? लाल और नीला। लाल क्या है? माणिक। और नीला क्या है? नीला। आगे बढ़ो, कहां जाओगे? सिंधगढ़। कौन सा घाटी? अरे सिंधगढ़ में कौन सा घाटी? भीमसेन घाटी। क्या घाटी है? भीमसेन घाटी। आगे में क्या घाटी? पुष्पाल घाटी। आगे में क्या घाटी? कौन सा गांव? दालना। कौन सा वाटरफॉल? रानी वाटरफॉल। अब कहां जाओगे? सुकमा। सुकमा में क्या पार्क? साइंस। सुकमा में क्या पार्क? साइंस पार्क। आधे पार्क खुले हैं। क्या पार्क है? साइंस पार्क। कौन सा डोंगरी? महादेव डोंगरी। कौन सी नदी? फूल नदी। फूल नदी किससे मिलती है? सबरी। इन बैक वाटर में क्या झील? क्या बात? तुंगला जलाशय। और तुमने जरा से हमें क्या है? इको टूरिज्म। याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। कहां से बोलोगे? यहां पर क्या हो गया? तुंगला जलाशय। क्लियर है? अब आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। और बिल्कुल अब आप लोग छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ खेला करो इनसे, अपने दोस्तों से, मितानों से। जैसे बचपन खेलते थे घर घर, है ना? बहन लोग भाई लोग खेलते थे घर घर, डॉक्टर डॉक्टर। हमेशा बहन डॉक्टर बन जाती थी और भाई लोग मरीज बनते थे, है ना? उसी प्रकार से क्या छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ का, ठीक है? अब चलो आगे बढ़ते हैं। वाले अब यहां से आगे बढ़ जाओ, कहां से? सुकमा से। जब हम सुकमा से आगे जाए, जब हम सुकमा से आगे जाए तो होगा ये, सुकमा के ठीक आगे में आपको यहां एक जगह मिलेगा जिसका नाम है दोरनापाल। क्या पाल? दोरनापाल। तो आपको यहां एक जगह मिलेगा जिसका नाम क्या है? दोरनापाल। जगह है दोरनापाल। दोरनापाल का पुल बहुत फेमस है। ये अभी भी हाल ही में दोरनापाल से एक पुल बनाया गया है जो जोड़ रहा है किसको? उड़ीसा। जोड़ रहा है वो उड़ीसा। याद रखना, जब ये पुल नहीं तो लोगों को पूरा ऐसे घूम के जाना पड़ता है और उड़ीसा जाने के लिए उनको 145 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ता है। अब ये पुल का निर्माण हो गया है तो दूरी मात्र 3 किलोमीटर होगी। क्या आपका? उड़ीसा का। ये पुल बहुत फेमस है, हाल ही में बना है कोसा दोरनापाल का पुल। ये भी नक्सली क्षेत्र है, मतलब मैं सामान्य ऐसे बोल रहा हूं दोरनापाल, गलती से अगर आप वहां पर पोस्टिंग हो गया तो सोच समझ के जाना, है ना? ये नक्सली क्षेत्र है, ठीक है? ये क्या हो गया आपका? दोरनापाल, ठीक है? अब इस दोरनापाल से आगे बढ़े, जब इस दोरनापाल से आप आगे बढ़ो, जब इस दोरनापाल से आगे बढ़ोगे तो आगे आप नहीं बढ़ पाओ, क्योंकि यहां पर एक गुफा है जिसका नाम है चिंता गुफा। क्या गुफा? चिंता गुफा। और चिंता गुफा में बहुत चिंता होगा आपको, कोई जान बचे या ना बचे। तो यहाँ पर क्या है? नक्सली। क्योंकि नक्सली का पर एक कोर एरिया है जिसका नाम क्या है? भेंजी। नाम क्या है? भेंजी। तो यहाँ पर एक और जगह क्या है? भेंजी। तो भेंजी के पास क्या है? चिंता गुफा। क्या गुफा? चिंता गुफा। तो यहाँ पर कौन सा गुफा है? चिंता गुफा। ऊपर में क्या है? भेंजी। क्या नाम है? भेंजी। भेंजी पढ़ेंगे हमारे इतिहास में भी, काकतियों के समय यहाँ बहुत बहुत सारे यहाँ पर क्या है? विद्रोह हुई है, जिसे पढ़ेंगे बड़ी भेंजी भेंजी बोर्ड अपने याद रखेंगे, ठीक है? यहाँ मलकानगिरी है किसका? उड़ीसा, ठीक है? अब यहाँ ये क्या आपका? चिंता गुफा। ऊपर में क्या है? भेंजी। इसी भेंजी के ऊपर में, इसी भेंजी के पास ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है ना, इसी पहाड़ का एक पहाड़ है जिसका नाम है डंडा पहाड़। क्या पहाड़? डंडा पहाड़। तो आपको यहाँ पे एक पहाड़ मिलेगा जिसका नाम क्या है? डंडा पहाड़। कैसा पहाड़? डंडा पहाड़। ऐसा पहाड़ जहां डंडा मिलेगा? मिलेगा बिल्कुल, ठीक है? ये क्या आपका? डंडा पहाड़। अब इसी डंडा पहाड़ के पास, इसी डंडा पहाड़ के पास आपको एक गुफा मिलेगा जिसका नाम है घूसाराम गुफा। क्या गुफा? घूसाराम, मतलब भगवान राम यहाँ पर घुसे थे। इसका नाम क्या हुआ? घूसाराम।
तो कौन सा गुफा है जिसे भगवान राम घूम गए थे? गुसारा। तो अब बताओ यहाँ पे कौन सा पहाड़ है? डंडा पहाड़। तो डंडा पहाड़ में कौन घुसे? भगवान राम। तो नाम क्या है? गुसारा। और गुसाराम में घुसने के बाद उनको क्या हुआ? चिंता। तो एक और गुफा कौन सा है? चिंता गुफा। नाम क्या है? चिंता गुफा। तो यहाँ दो गुफा क्या क्या नाम है? गुसाराम गुफा और चिंता गुफा। क्या बोलो? गुसाराम गुफा और चिंता गुफा। इसी टिकन पिल्ली पहाड़ी से एक नदी निकलेगा और इस नदी का नाम है मुरना नदी। क्या नदी है? मुरना। तो आपको एक और नदी मिल रहा है जिसका नाम क्या है? मुरना नदी। क्या नदी है? मुरना नदी। तो आपको यहां से एक और नदी क्या मिलेगा? मुरना। और इसी मुरना नदी में इसी चिंता गुफा के पास नकुलनार ये रास्ता है, यहां पर आपको एक वॉटरफॉल मिलेगा और ये जो वॉटरफॉल है इसका नाम है डुडमा जलप्रपात। क्या बोलो? डुडमा जलप्रपात। तो आपको वॉटरफॉल मिलेगा, नाम क्या है? डुडमा जलप्रपात, डुडमा वॉटरफॉल। तो डुडमा वॉटरफॉल किस नदी में है? मुरना नदी। तो मुरना नदी कहां बहती है? सुकमा के गोंडा के पास। तो यहां पर क्या है आपका? डुडमा जलप्रपात। ये ध्यान देना आपको, कंफ्यूज मत होना। दंतेवाड़ा में भी एक जलप्रपात है जिसका नाम है दुदमा झोड़ी जलप्रपात। अगर दुदमा झोड़ी बोला तो वो कहां पर है? दंतेवाड़ा। ध्यान देना मिसाल, दुदमा झोड़ी कहां पर? दंतेवाड़ा नकुलनार के ऊपर में। खाली दुदमा बोला तो कहां पर है? कहां पर है? सुकमा। एक और जलप्रपात का नाम है दुदमा, दुदमा वो कहां पर है? उड़ीसा। उड़ीसा में होता ये है कि ये जो आपका सबरी, सबरी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है सिलेरू। क्या बोलो? सिलेरू। सिलोरी सिलेरू में बहुत सारे मल्टी हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट्स बाद पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये क्या है? सिलेरू। सिलेरू के ऊपर के पॉइंट को हम बोलते हैं मचकुंड। क्या बोलते हैं? मचकुंड। और इसी मचकुंड में भी आपको वाटरफॉल मिलेगा जिसका नाम क्या है? दुदमा जलप्रपात। वो कहां पर है आपका? सुकमा। वो कहां पर आपका? सुकमा। तो सुकमा में भी एक वाटरफॉल है, नाम क्या है? दुदमा। सुकमा बोलो उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा। तो उड़ीसा में भी एक जलप्रपात है, नाम क्या है? दुदमा। ये जो ओडिशा का जो दुदमा है ना, ये ओडिशा का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो कंफ्यूज मत होना। मलकानगिरी पहाड़ी, महेंद्रगिरी पहाड़ी, महेंद्रगिरी पूर्वी पठार का सबसे ऊंचा क्या है? पर्वत है, पढ़े होगे अपने गूगल में। तो यहां पर क्या है? दुदमा जलप्रपात। और ये कहां का? ओडिशा का सबसे ऊंचा क्या है? जलप्रपात। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं किसी बात कर रहा हूं दुदमा। तो दुदमा कहां पर है? सुकमा। और डुडमा झोड़ी कहां पर है? दंतेवाड़ा। क्या दंतेवाड़ा में क्या है? डुडमा झोड़ी। सुकमा में क्या है? डुडमा। क्या नदी है? मुरना। नदी का नाम क्या है? मुरना, ठीक है। और यहां पर आप एक पहाड़ी मिल रहा है और इस पहाड़ी का नाम क्या है? डंडा पहाड़ी। नाम क्या है? डंडा। और इसी डंडा पहाड़ी में आपको एक मंदिर भी मिलेगा और जो मंदिर होगा उसका नाम क्या होगा? कौन बताएगा? इस डंडा पहाड़ी एक मंदिर है और मंदिर का नाम क्या है? विनती विनोद, विनती विनोद मंदिर। और उसी विनती विनोद मंदिर के पास आपको विनती विनोद मंदिर के पास आपको एक आश्रम मिलता है, नाम क्या है? विनती विनोद आश्रम। क्या बोलो? विनती विनोद आश्रम। इसके अलावा इस गंगा पहाड़ी में आपको एक और मंदिर मिलेगा जिसका नाम है बूढ़ी मंदिर। क्या मंदिर है? बूढ़ी माई मंदिर। एक और मंदिर कौन सा है? बूढ़ी माई मंदिर। तो एक क्या हो गया? विनती विनोद मंदिर। और एक क्या हो गया? बूढ़ी माई मंदिर। देखो कभी एग्जाम में ये नहीं पूछेगा बूढ़ी माई मंदिर किस पहाड़ में है, आपसे पूछेगा कि सुकमा में या बूढ़ी माई मंदिर किस जिले में स्थित है? रायगढ़ में भी। और ये कहां पर है? सुकमा। क्लियर है? यहां पर क्या है? बूढ़ी माई मंदिर। किस पहाड़ में? डंडा पहाड़ के। तो डंडा पहाड़ के कौन कौन सा गुफा? गुसाराम गुफा और चिंता गुफा। डंडा पहाड़ के पास कौन सा मंदिर? वेंदी विनोद मंदिर और बूढ़ी माई। क्या बोलो? वेंदी विनोद मंदिर और बूढ़ी माई। क्लियर है? अब मतलब यहां पर श्री राम है, भगवान राम एक गुफा में घुसे, ठीक है। इसके अलावा भगवान राम आगे बढ़े और ध्यान देना इसी कोंटा के रास्ते में, इसी मुरना नदी के किनारे
हमको एक आश्रम मिलता है और ये जो आश्रम है इसका नाम है इंजे राम आश्रम। क्या बोलो? इंजे राम बारफोड। क्या बोलो? इंजे राम बाथोड आश्रम। क्या आश्रम? इंजे राम बाथोड। इंजे राम याद है ना, रामायण काल में एक महारिषि हुआ करते थे, उनका नाम था महारिषि इंजे। नाम क्या था? महारिषि इंजे। महारिषि इंजे इसी सुकमा के क्षेत्र में तपस्या करते थे सबरी नदी के किनारे। तो ये जो महारिषि इंजे थे, इसी महारिषि इंजे से मुलाकात करेंगे कौन? श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के। तो बाथोड़ मतलब इंजे राम बाथोड़, राम बाथोड़ मतलब राम भगवान आए थे। बाकी लोकल डायलॉग में डायलेक्ट है, बाथोड़ मतलब आया गया। तो वहां कौन आया? भगवान राम। इसीलिए और किसे मिलने? इंजे से। फिर नाम क्या है? इंजे राम बाथोड़। नाम क्या है? इंजे राम बाथोड़। तो इंजे राम बाथोड़ आश्रम कहां पर है? कहां पर है? सुकमा के कोंटा में। तो कोंटा के पास आपको एक आश्रम मिलेगा, अपने कोंटा में। तो सुकमा के पास कोंटा में आपको एक आश्रम मिलेगा जिसका नाम क्या है? इंजे राम बाथोड़ आश्रम। नाम क्या है? इंजे राम बाथोड़ आश्रम। क्लियर है? क्या एक आश्रम मिलेगा, नाम क्या है? इंजे राम बाथोड़ आश्रम। और आपको यहाँ पे एक वॉटरफॉल मिला, नाम क्या है? डुडमा जलप्रपात। और डुडमा झोड़ी कहां पर है? दंतेवाड़ा। और दुडमा कहां पर है? उड़ीसा। जो क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कहां का? उड़ीसा। क्लियर है इतना आप लोगों को? आगे बढ़ा जाए बिल्कुल। जैसे हम इसके आगे बढ़ोगे तो कहां पर जाओगे? कोंटा। कहां पर जाओगे आप? कोंटा। और जब ये कोंटा पहुंचोगे तो आप यहाँ एक दरगाह मिलेगा, और ये दरगाह है सैयद बाबा मस्ताना अली। तो सैयद बाबा मस्तान अली, सैयद बाबा मस्तान अली का आपको यहां पर क्या मिलेगा? दरगाह मिलेगा। तो सुकमा में क्या मिलेगा आपको? एक दरगाह। नाम किसका है? सैयद बाबा मस्तान अली का। सैयद बाबा मस्तान अली के दरगाह में जाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, और आगे कहां जाएंगे हम? कोंटा। और जैसे हम ये कोंटा जाएंगे तो ये बोलेंगे कि छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम कोंटा है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिण का कोंटा है वो क्या है? कोंटा। ये छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम क्या है? बिंदु है। इसका नाम क्या है? कोंटा। तो छत्तीसगढ़ का सबसे सदन पार्क वो कौन क्या है? वो कोंटा है। और इसी कोंटा में आपको एक व्यक्ति मिलेंगे जिनका नाम होगा दादी। नाम क्या होगा? दादी। अब ये दादी कौन? तो ये दादी बोलेंगे कि मेरा नाम दादी और मैं छत्तीसगढ़ का अबकारी मंत्री, और मेरा नाम एक्चुअल में क्या है? कवासी लखमा। लेकिन मुझे इस सुकमा की स्थिति में कोई कवासी लखमा नहीं बोलता, मुझे क्या बुलाता है? दादा। तो दादी से मिलने जाना है तो कहां जाओगे? कोंटा। इन्होंने वादा किया था आपने कि दारू वारू बंद कर दिया जाएगा, लेकिन दारू बंद नहीं हो रहा है। ठीक है, ये अबकारी क्या है? मंत्री। तो छत्तीसगढ़ के अबकारी मंत्री कहां है? कोंटा। कहां पर है? कोंटा। बोलते क्या है? दादी। क्या बोलते हैं? ठीक है, अभी दादी आपको बताएंगे कि ये जो कोंटा है, इस कोंटा की एक खास बात है। खास बात ये है कि इस कोंटा से कुछ दूरी पर पोलावरम है, और उसके आगे कूनावरम। कूनावरम में ये जो सबरी है ये गोदावरी से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? गोदावरी। तो सबरी नदी जो है वो गोदावरी से मिल जाती है। कहां पर? कूनावरम में। तो कूनावरम जो है वो सबरी और गोदावरी का क्या है? कॉन्फ्लुएंस। क्या है? कॉन्फ्लुएंस। तो जो आपका जो गोदावरी और सबरी का जो कॉन्फ्लुएंस हो गया आपका कूनावरम उपसंगम है। तो ये बताएंगे कि सबरी नदी क्योंकि आगे चलकर किससे मिलने वाली है? गोदावरी से। अब क्योंकि आगे चलकर गोदावरी से मिलने वाली है, इसलिए इस कोंटा के क्षेत्र के पास जो सबरी नदी है वो क्या होती है? चौड़ी हो जाती है। क्या जाती है? चौड़ी। अब ये ध्यान देना, हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी जो नदियां हैं और खासकर बस्तर में जितने भी जो नदियां हैं, ये सभी नदी अनुवर्ती नदियां हैं। किस नदियां हैं? अनुवर्ती। अनुवर्ती नदी ऐसी नदी होती है जिनका प्रवाह ढलान की ओर होता है, मतलब वो ऊपर से नीचे की ओर बहती है। जब वो ऊपर से नीचे की ओर बह रही है तो वो कई चट्टानों को काट कर वो क्या बनाएगी? जलप्रपात। तो अनुवर्ती नदी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंस। तो हमारे छत्तीसगढ़ की नदियां हैं वो कॉन्सिक्वेंस ड्रेनेज पैटर्न बनाती है। क्या बनाती है? कॉन्सिक्वेंस ड्रेनेज पैटर्न।
अगर मैंने बोला कौन सीक्वेंस, मतलब उसमें इनसिक्वेंस, ऑमनीसिक्वेंस, रीसिक्वेंस ये सब आया, पढ़ेंगे मतलब ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ग्राउंड वाटर, तो ध्यान देना कॉन्सिक्वेंस यदि ऐसी हो रही है जो कहां से प्रभाव रहा है, ढलान से, मतलब ऊपर से नीचे ही हो, मतलब ऐसे नदियों में अगर मैं नाव लेके जाऊं तो होगा क्या, फिर नाव आगे बढ़ेगा, फिर अचानक क्या जाएगा, जब आप ब्रेक तो हराएगा नहीं, तो कहां गिरोगे, वाटरफॉल, मान लो उसे बच गए, फिर ये आगे बढ़ेगा और फिर क्या मिलेगा, जलप्रपात, मतलब यहां पर नौ परिवहन यहां पर क्या है, नामुमकिन हो जाता है, कहां पर, छत्तीसगढ़, तो नौका का जो परिवहन है वो आपके छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही जगह होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि यहां पर एक नदी जो है वो अनुवर्ती ना होकर अब वो क्या हो गई है, चौड़ी हो चुकी है, और नदी को हम क्या बोलते हैं, सबरी है। तो छत्तीसगढ़ की एक लौती नदी जहां पर क्या है, नौ परिवहन क्या है, संभव है या वहां होता है, वो कौन सा है, सबरी नदी, और कहां पर, कोंटा, तो कोंटा के पास यहां जलीय परिवहन क्या होता है, यहां से चालू हो जाता है, तो छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी जहां पर जलीय परिवहन होता है वो क्या है, सबरी, और सबरी में कहां पर, कोंटा, कहां पर, कोंटा, क्योंकि यहां पर नदी क्या हो गई है, चौड़ी हो चुकी है। अब इसी कोंटा के पास आपको एक गांव मिलेगा, और ये जो गांव होगा इसका नाम होगा तेलावर्ती, ये कोंटा है, तो इसके पास एक गांव मिलेगा जिसका नाम क्या है, तेलावर्ती, क्या बोलो, तेलावर्ती, और ये तेलावर्ती गांव वही गांव है जहां पर वो बालक क्या किया था, अपना लाइफ सैक्रिफाइस किया, और वहां पर एक द्वीप बना था, नाम क्या था, मुनिकुट्टा द्वीप, क्या द्वीप, मुनिकुट्टा द्वीप, तो मतलब जो मुनिकुट्टा द्वीप है वो एक्चुअल में कौन से गांव में है, तेलावर्ती गांव, मतलब अगर आपको ये रिवर आइलैंड अगर आपको देखना है तो आप कहां जाओगे, तेलावर्ती गांव, तो कोंटा के पास कौन सा गांव, तेलावर्ती, और उसी तेलावर्ती गांव में आपको एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम क्या है, मुनिकुट्टा द्वीप, तो यहां पर आपको मिलता है क्या, मुनिकुट्टा द्वीप, क्लियर है, तो कोंटा में क्या होता है, जल्दी परिवहन, और वहां पास में कौन सा द्वीप है, मुनिकुट्टा, मुनिकुट्टा द्वीप जो है वो कौन से गांव में है, तेलावर्ती गांव, कौन से गांव में है, तेलावर्ती, क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है, चलो अभी कॉपी बंद करना, अभी बचा हुआ ही कंप्लीट करूंगा, मैं इसको रिकॉर्ड करेंगे हम यार, तब तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जल्दी जल्दी जिला खत्म हो जाए, आराम से आप, चलो भाई बताओगे, स्टार्ट करें, सुकमा जिले का स्थापना कब हुआ, 16 जनवरी 2012, ये छत्तीसगढ़ का कौन सा नंबर का जिला, सुकमा जिला में कौन सी पहाड़ी श्रेणी, टिकनापल्ली, क्या बोलो, टिकनापल्ली, सुकमा जिला में प्रवेश करने के लिए कौन सा नेशनल हाईवे, NH30 का पुराना नाम क्या है, NH43, NH43 से एंटर करेंगे कहां पर, सुकमा में, सबसे पहले क्या मिलेगा, जीरम घाटी के ऊपर में क्या है, दरबा घाटी, क्या घाटी, दरबा घाटी, जीरम घाटी और दरबा घाटी के पास एक कांड हुआ था, वो कांड कब हुआ था, 25 मई 2013, 25 मई 2013 को कई कांग्रेसी नेताओं का क्या हुआ, निधन हुआ, उसमें से बस्तर का टाइगर कौन था, वीरेंद्र कर्मा, पहले गृह मंत्री कौन थे, नंद कुमार पटेल, और 9 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके ऐसे मंत्री जिन्होंने अपने समय में जब उनके पास एक मिनिस्ट्री था जिसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री, टेलीकॉम मिनिस्ट्री, तो उस समय उन्होंने किशोर कुमार के गाने को बंद करा दिया, और वो मंत्री कौन है, विद्याचरण शुक्ल का निधन एक्चुअल में कहां पर हुआ, मेदांता हॉस्पिटल, कब हुआ, 11 जनवरी 2013, 11 जून 2013, और उनके जो पीएसओ थे जिन्होंने अपने आप को मार दिया वो कौन है, प्रफुल्ल शर्मा, एक फूलो देवी नेताओं की जहां इनका निधन हुआ, इसके अलावा राधन गांव के एक एमएलए का नाम क्या था, उदय मुदलिया, कौन, उदय मुदलिया, ठीक है, कुल मिलाकर कितने गाड़ी थी, 25, और सबसे पहले ब्लास्ट कौन सी गाड़ी हुआ था, चौथे गाड़ी, ठीक है, ये पूरा मैं बताऊंगा अलग से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
इसके आगे हम पढ़ेंगे कहां जाएंगे, सोना कुकना, सोना कुकना क्या मिलेगा कोरंडम, फिर कहां जाएंगे रॉकेट, रॉकेट क्या मिलेगा कोरंडम, फिर कहां जाएंगे छिंदगढ़, छिंदगढ़ में कितना दूर 20 किलोमीटर, क्या गांव तालना, तालना के पास कितनी घाटी तीन घाटी, क्या क्या घाटी घाटी और कोयराला घाटी, कौन सा वाटरफॉल गांधी गढ़ा जड़पा, वापस कहां जाएंगे छिंदगढ़, इस पर छिंदगढ़ से कहां जाएंगे सुकमा, सुकमा क्या डूंगरी महादेव गढ़, क्या राम राजा राम, क्या मंदिर चिटपटे दाई मंदिर, क्या मंदिर चिटपटे दाई मंदिर, चिटपटे दाई मंदिर में कौन सी नदी फूल नदी, फूल नदी, कौन सा बांध तुंगला जलाश, बोल ही नहीं रहे हो क्यों याद ही नहीं, सुकमा शहर किस नदी किनारे फूल नदी किनारे, कौन सी माता कहाँ से आई है, कहाँ से आई है वारंगल से, कौन सा पहाड़ है महादेव डोंगरी, क्या पहाड़ है महादेव, कौन सा बांध तुंगला जलाश, क्या जलाश है तुंगला जलाश, क्या पॉइंट इको टूरिज्म पॉइंट, क्या पॉइंट ये इको टूरिज्म पॉइंट, क्लियर है, अब आगे बढ़ेंगे कहाँ जाएंगे डोरला पहाड़, क्या यहाँ पे एक पुल बना है, लेकिन पास में क्या पहाड़ है डंडा पहाड़, डंडा पहाड़ में डंडा लेंगे ले लेंगे, और लेने के बाद किस गुफा जाएंगे भूसाराम, फिर क्या जाएंगे चिंता गुफा, चिंता गुफा और भूसाराम गुफा, नदी कौन सी है मुरना, क्या वाटरफॉल मुरना, नदी कौन सी है मुरना, नदी कौन सी है मुरना, वाटरफॉल क्या है डुडमा, और डुडमा झूड़ी कहां पर है दंतेवाड़ा, फिर कहां जाएंगे कोंटा, फिर दरगाह जाएंगे कौन सा बाबा सैयद मस्तान अली खां, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या विनोद बेंती विनोद, क्या विनोद बेंती विनोद, फिर कहां जाएंगे दादी के पास, कहां जाओगे कोंटा, दादी कौन है गवासी लखमा, जो क्या मंत्री है आबकारी मंत्री, क्या मंत्री है आबकारी मंत्री, यहाँ पर क्या परिवहन होता है जलीय परिवहन, क्यों होता है सबरी नदी, यहाँ पर क्या हो चुकी है चौड़ी, और यहाँ पर क्या तिलावर्ती है बिल्कुल है, और वह तिलावर्ती में क्या है मूली पुट्टा, क्या है मूली पुट्टा, क्लियर है, इस मूली पुट्टा द्वीप में त्रिमूर्ति मंदिर, त्रिमूर्ति त्रिमूर्ति मतलब शिव भगवान विष्णु भगवान और ब्रह्मा भगवान का एक साथ क्या है मूर्ति को स्थापित भी किया गया, कहां पर मुनी पुट्टा, क्लियर हो रहा है कि अधिक हो जा रहा है, कहां अधिक हो रहा है कमी नहीं, आगे बढ़ते हैं, चलो भाई अब आगे बढ़े, अब ये ध्यान, तो ये तो हमारा कहानी हो गया किसका नेशनल हाईवे, इस कहानी ये नेशनल हाईवे, अब यहां पर कुछ स्टेट हाईवे भी आएगा, एक स्टेट हाईवे जो आपका दंतेवाड़ा से सीधा कहां जाएगा सुकमा, कहां जाएगा सुकमा, तो एक स्टेट हाईवे जो दंतेवाड़ा सीधा कहां जा रहा है सुकमा की ओर, और ये जो स्टेट हाईवे है इस स्टेट हाईवे का नाम है SH5, क्या नाम है SH5, स्टेट हाईवे क्रमांक 5 आपके छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा स्टेट है, ये स्टेट हाईवे मध्य प्रदेश से निकलता है सीधा जाता है कहां पर कवर्धा की चिल्फी घाट, चिल्फी घाट से कहां जाएगा ये कवर्धा, कवर्धा से कहां जाएगा तो बेमेतरा, बेमेतरा से कहां जाएगा सिमगा, सिमगा से ये रास्ता सिमगा से सिमगा जो बेमेतरा कहां हो गया बेमेतर NH5 पर, ये भी क्या है ये कहां जाएगा चिल्फी, ये चिल्फी घाट से आया, ये कहां से आ रहा था कवर्धा से, मतलब मध्य प्रदेश से कहां जाएगा कवर्धा, कवर्धा से ये सहसपुर लोहारा जाएगा, सहसपुर लोहारा से ये राजनांदगांव का गंडई जाएगा, गंडई से कहां जाएगा राजनांदगांव, छुई खदान खैरागढ़ होते हुए कहां जाएगा राजनांदगांव, फिर राजनांदगांव के आगे मोहिला मानपुर से पहले ये कट जाएगा और हल्का से कहां जाएगा बालोदपुर, फिर वहां से कहां जाएगा आपको सीधा भानुप्रताप, भानुप्रतापुर से कहां जाएगा अंतागढ़, अंतागढ़ से कहां जाएगा ये कुरसेल, कुरसेल से कहां जाएगा नारायणपुर, फिर नारायणपुर से एक सीधा कहां जाएगा तो गिदम बारसूर, गिदम होते हुए दंतेवाड़ा, फिर दंतेवाड़ा से ये कहां कट रहा है सुकमा की, और कौन सा स्टेट हाईवे आपका SH5, ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा क्या है स्टेट हाईवे, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है NH5, और छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा स्टेट हाईवे कौन सा है SH5, क्या है SH5, हालांकि इसी दंतेवाड़ा से एक और स्टेट हाईवे है
और ये जो स्टेट है ये सीधा कहा जाएगा कोंटा, कहा जाएगा ये कोंटा। और ये जो स्टेट हाईवे है इसका नाम है SH-27। क्या है? SH-27। ये SH-5 और SH-5 की इधर में क्या है? SH-27। तो दो स्टेट है, एक क्या है आपका SH-5 है और एक क्या है आपका SH-27। इसके अलावा बीजापुर तरफ से एक स्टेट हाईवे आएगा जो सीधा आपको डोरनापाल की ओर ले जाएगा। और ये जो स्टेट हाईवे है इसको हम बोलेंगे SH-28। क्या था? SH-28। तो कितने स्टेट आ गए भाई यहाँ पर? तीन। क्या क्या? SH-5, SH-27 और SH-28। SH-28 कहाँ से आ रहा है? बीजापुर से। कहाँ से आ रहा है ये? बीजापुर से। क्लियर है इतना? अब हम देखते हैं कि अब मैं यहाँ जाके बैठा हूँ। अब यहाँ जब कभी भी आप SH-27 कोंटा से आप दंतेवाड़ा, जब कोंटा से दंतेवाड़ा जाएंगे तो कौन सा स्टेट हाईवे है? SH-27। जब हम इस SH-27 में आगे बढ़े तो ठीक हमें यहां पर एक घाट मिलेगा। इस घाट को हम बोलेंगे गोलापल्ली का घाट। क्या घाट? गोलापल्ली का। क्योंकि यहां पर हमको एक गांव मिलेगा इसका नाम क्या है? गोलापल्ली। क्या बोलो? गोलापल्ली। यहां पर क्या है? गोलापल्ली। और जब कभी भी अभी गोलापल्ली जाओगे तो इस गोलापल्ली में, किसी गोलापल्ली में आपको एक खनिज मिलेगा और जो खनिज होगा एक मुख्य खनिज होगा और उसको हम बोलते हैं माइका। क्या है ये? माइका। तो नॉट टू बी कंफ्यूज विद ससुराल माइका। ये क्या है? माइका है। ये क्या है? MIC। ये क्या है? माइका, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अभ्रक। और अभ्रक बोला तो अगेन नॉट टू बी कंफ्यूज विद अदरक। ये क्या है? अभ्रक। तो अभ्रक क्या है? माइका। अभ्रक में हम पढ़ेंगे जब हमें पढ़ाऊं केमिस्ट्री बायोटाइट, लेफिडोलाइट, मस्कोवाइट। ठीक है, यहां पर जो आपको अभ्रक मिलता है वो क्या है? लेपिडोलाइट। क्या है वो? लेपिडोलाइट। ठीक है, तो लेपिडोलाइट आपको मिलने वाला है कहां पर? कहां पर? कहां पर? गोलापल्ली। तो सुकमा के गोलापल्ली में आपको क्या मिलने वाला है? लेपिडोलाइट। क्या मिलने वाला है? लेपिडोलाइट। पर आप मुझे बताओ कि लेपिडोलाइट जो है वो एक्चुअली क्या है? वो क्या है? माइका। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि जब कभी भी आप सुकमा भ्रमण करोगे, सुकमा में कितने कितने स्टेट है गए? तीन। वो तीन क्या क्या है? SH-5 और SH-27। SH-27 से अगर आप जाओगे तो कोंटा से कहां जाओगे? कोंटा से आप कहां जाओगे? दंतेवाड़ा। कहां जाओगे आप? दंतेवाड़ा। और जब कभी भी आप दंतेवाड़ा जाओगे तो आपको रास्ते में क्या मिलेगा? गोलापल्ली। और गोलापल्ली में आपको एक खनिज मिलेगा और वो जो खनिज होगा उसका नाम क्या होगा? लेपिडोलाइट। और लेपिडोलाइट क्या होता है? माइका। फॉर्मूला क्या होता है? कौन होता है? ध्यान दे, जब कभी भी आपको एक लंबा छोटा फॉर्मूला देखो और वहां पर आगे अगर आपको OH-F क्या मिला? OH-F, तो समझ जाना वो क्या है? माइका है। वो या तो मस्कोवाइट है, वो या तो बायोटाइट है, या तो वो लेपिडोलाइट है। अगर मैं लेपिडोलाइट बोल रहा हूं तो उसका फॉर्मूला होगा के मतलब क्या? पोटेशियम। लेपी से क्या है? लिथियम। के LiAl, के LiAl, तो के LiAl या RB। क्या बोलो? के LiAl या RB। मतलब ये एक ऐसा माइका है जिसे आप क्या मिल रहा है? पोटेशियम, लिथियम, एल्यूमिनियम और रुबिडियम। तो क्या होगा? ये के LaAl और Li और रुबिडियम। ठीक है, क्लियर है? अब यहां बच्चे इसका फॉर्मूला बनेगा। ऐसे सबसे पहले क्या है भाई? सिलिका आएगा। सिलिका से क्या बनेगा? एल्यूमिनियम। ठीक है, उसको यहां पर क्या जोड़ दो? क्या? के Li Al RB। ठीक है, Al2 SI6
O8 OH कॉमा F। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला बनेगा सर, किसका? माइका। किसका? माइका। ठीक है, नहीं भी देखो कुछ चलेगा, बस इतना याद रखना आपने में क्या था OH कॉमा OH कॉमा F। ये क्या है? लैपिडोलाइट्स। ये क्या है? लैपिडोलाइट्स। ठीक है, ऐसे जो लैपिडोलाइट्स ये आपको गोलापल्ली में मिलेंगे, झीरम घाटी में मिलेगा और दरबार घाटी में मिलेगा। कि दरबार घाटी, झीरम घाटी और गोलापल्ली, ये तीनों क्षेत्र ऐसे क्षेत्र है आपके बस्तर के जहां से हमें क्या मिलता है? माइका। और कैसा माइका? लैपिडोलाइट्स। और माइका का उपयोग आप कहां करते? इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए। इसका माइका, कि माइका जो है वो एक अच्छा क्या होता है, अच्छा क्या होता है? इंसुलेटर होता है। माइका इज अ गुड इंसुलेटर। क्लियर है? ये याद रहेगा, आगे बढ़े। चलो, तो ये क्या हो गया आपका? गोलापल्ली। जैसे आप इस गोलापल्ली से आगे आप बढ़ते तो ठीक आके आपको मिलेगा क्या? बेरी कुपली। क्या मिलेगा आपको? बेरी। तो आपको आगे में क्या मिलेगा? बेरी कुपली। और जब कभी भी आप बेरी कुपली जाओगे तो बेरी कुपली में आपको एक खनिज मिलेगा, और ये जो खनिज होगा इसका नाम होगा बेरी। क्या है? बेरी। तो बेरी का नाम क्या है? बेरी कुपली। बेरी कुपली में क्या मिला आपको? बेरिल। और बेरिल क्या होता है? बेरिलियम एल्यूमिनेट साइक्लोसिलिकेट। बोल क्या है? बेरिलियम एल्यूमिनेट साइक्लोसिलिकेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। बेरिल आपको जस्तू में भी मिलता है। क्या मिलता है? जस्तू को। जस्तू में जो कुनकुरी और फरसा बाहर का जो क्षेत्र है वहां पर क्या मिलेगा? बेरिल मिलेगा। वैसे ही बेरिल आपको कहां मिलेगा? सुकमा। तो सुकमा में क्या है? बेरी कुपली। और बेरी कुपली में आपको क्या मिलेगा? बेरिल। और बेरिल मतलब बेरिलियम। क्या बोलो? बेरिलियम। तो बेरिलियम मतलब बीई। बेरिलियम मतलब क्या है? बीई। बेरिलियम एल्यूमिनेट। क्या बोला मैंने? बेरिलियम एल्यूमिनेट। तो ये क्या हो गया? एयर। ठीक है, बीई टू एयर। ठीक है, साइक्लोसिलिकेट। क्या बोला? साइक्लोसिलिकेट मतलब SiO, SiO3 या SiO2 होल 6। ठीक है, ये क्या है? बेरिलियम एल्यूमिनेट साइक्लोसिलिकेट। 6 मतलब क्या हो गया? साइक्लो। तो क्या हो गया? बेरिलियम एल्यूमिनेट साइक्लोसिलिकेट। इसको हम क्या बोलेंगे? बेरिल। हम क्या बोलेंगे इसको? बेरिल। तो आप मुझे बताओ कि आपके छत्तीसगढ़ में वो कौन सा जगह है जहां आपको बेरिल मिलेगा? तो सुकमा का बेरी कुपली। तो सुकमा में एक जगह है जिसका नाम क्या है? बेरी कुपली। और बेरी कुपली में आपको क्या मिलेगा? बेरिल। और बेरिल मतलब बेरिलियम एल्यूमिनेट साइक्लोसिलिकेट। आपके छत्तीसगढ़ में 28 प्रकार के क्या आपके मिलते हैं? खनिज। उन 28 प्रकार के खनिजों में एक खनिज क्या आपका? बेरिल। और बेरिल मतलब बेरिलियम एल्यूमिनेट साइक्लोसिलिकेट। कहां पर? बेरी कुपली। कहां पर? बेरी कुपली। क्लियर इतना? अब आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते। जैसे ही हम इस SS27 में और आगे बढ़ेंगे तो ठीक आगे में मेरे को एक जगह मिलेगा जिसका नाम है कच्ची रस। क्या नाम है? कच्ची रस। क्या बोलो? कच्ची रस। कैसा रस? कच्ची रस। और ठीक आगे में मेरे को एक और जगह मिलेगा जिसका नाम होगा चियूरवाड़ा। क्या बोलो? चियूरवाड़ा। तो एक क्या आपका? चियूरवाड़ा। और चियूरवाड़ा के नीचे में क्या है? कच्ची रस। क्या नाम है? कच्ची रस। तो पहला नाम क्या है? कच्ची रस। नाम क्या है? चियूरवाड़ा। तो बेरी कुपली के आगे में क्या है? कच्ची रस। और उसके आगे में क्या है? चियूरवाड़ा। ठीक है, जब मैं आपको भौतिक संरचना पढ़ाऊंगा ना तो आप आसानी से आप खनिज को डिस्टिंग्विश कर पाओ। ठीक है, लेकिन अभी अब जल्दी पहले मैंने क्या बोला? बेरी कुपली। बेरी कुपली में क्या है? बेरिल। अब बेरिल क्या है? बेरिलियम एल्यूमिनेट साइक्लोसिलिकेट। बेरिल देखने के बाद हम कहां जाएंगे? कच्ची रस। कच्ची रस के आगे भी क्या है? चियूरवाड़ा। इसी चियूरवाड़ा के ठीक आगे में, इसी चियूरवाड़ा के ठीक आगे में आपको जगह मिलेगा मुंडपाल। क्या मिलेगा? मुंडपाल। इसी मुंडपाल के ठीक आगे में आपको जगह मिलेगा गोविंदपाल। क्या मिलेगा? गोविंदपाल। तो एक क्या का? मुंडपाल। फिर एक क्या का? गोविंदपाल। तो मुंडपाल और गोविंदपाल। और इसी गोविंदपाल के ठीक आगे में आपको मिलेगा चिंतलनार।
क्या मिला था आपको? चिंतन लाल। चिंतन लाल याद करो, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 7 जमींदारी थी बस्तर में। बस्तर में कितनी जमींदारी थी? 7। तो वो 7 क्या क्या थे? सुकमा, गोपाल पट्टनम, चिंतन लाल, कोटरू, बरलपुर, फुटकेर और कोटपा। ये 7 बस्तर की जमींदारी को एबॉलिश कब किया गया? 1951। तो भी आपका चिंतन लाल, वही क्या आपका चिंतन लाल, ये जमींदारी थी जिसको एबॉलिश कब किया गया? 1951। तो नाम क्या पहला? बेरी गोगली। फिर नाम क्या है? कच्ची रस। बोलना पड़ेगा पहला नाम क्या है? बेरी गोगली। देखो आपको याद करना पड़ेगा बॉस, मैं कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा आप लोग, ये जगह है, जगह को आपको बोलना पड़ेगा तभी जाकर क्या होगा आपको याद होगा। और याद कैसे होगा? आपको इमेजिनेशन करना है कि आप अपने गाड़ी से घूम रहे हो कहां? SS-27। आप अपनी गाड़ी से निकले हो कहां से? कोंटा से। कहां जा रहे हो? दंतेवाड़ा। तो सबसे पहले क्या मिला आपको? गोलापल्ली। क्या मिला आपको? गोलापल्ली। गोलापल्ली में क्या गोला खाएंगे आप? पानी से मिलेगा, लेकिन गोलगप्पा खाओगे? खाएंगे, खाओगे ना, फिर खा लेना। गोलगप्पा खाते खाते क्या देखोगे? माइका। कैसा माइका? लैपिडोलाइट। क्या बोलो? लैपिडोलाइट। तो आप कहां जाओगे? कोंटा से दंतेवाड़ा। पहले कहां जाओगे? गोलापल्ली। गोलापल्ली में क्या है? लैपिडोलाइट। तो क्या होता है? माइका। फिर कहां जाओगे आप? बेर कुपली। और बेर कुपली में क्या है? बैरिल। और बैरिल क्या होता है? बैरिलियम, एल्यूमिनियम, साइक्लोसिलिकेट। ठीक है, हमको केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, मतलब नाम भूल रहे क्या? बेरिलियम, एल्यूमिनियम, साइक्लोसिलिकेट। इसको देखने पर हम कहां जाएंगे? कच्ची रस। फिर कहां जाएंगे? चीरवाड़ा। फिर कहां जाएंगे? गोविंद पाल। फिर कहां जाएंगे? मुंड पाल। फिर कहां जाएंगे? चिंतन लाल। बोलो क्या क्या? कच्ची रस। क्या बोलो? कच्ची रस, चीरवाड़ा, मुंड पाल, गोविंद पाल, चिंतन लाल। फिर क्या बोलो पहला? कच्ची रस, चीरवाड़ा, मुंड पाल, गोविंद पाल, चिंतन लाल। और चिंतन लाल के ठीक ऊपर में आपको जगह मिलेगा जगरगोंडा। क्या मिलेगा आपको? जगरगोंडा। तो ठीक है, फिर से बोलो क्या पहला क्या है? कच्ची रस। क्या बोलो? कच्ची रस। फिर क्या है? चीरवाड़ा। पहला क्या है? कच्ची रस। फिर क्या है? चीरवाड़ा। फिर नाम क्या है? मुंड पाल, गोविंद पाल, मुंड पाल, गोविंद पाल, चीतलनार, चीतलनार और जगरगोंडा। ये सभी जगह आप लोगों के सुकमा जिले का ऐसा जगह है जहां से हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मिनरल मिलता है। और ये जो खनिज को हम क्या बोलेंगे? कैसे टेराइट। क्या बोलेंगे हम इसको? कैसे टेराइट। तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है? कैसे टेराइट। और अगर मैं कैसे टेराइट बोला तो कैसे टेराइट मतलब क्या होता है? SNO2। क्या होता है? SNO2। तो SNO2 मतलब क्या? ये टीन का ये क्या है? ऑक्साइड है। SN का क्या होता है? टीन। और याद रखना हमारा छत्तीसगढ़ जो है पूरे भारत में यहाँ पर टीन का सबसे बड़ा ये उत्पादक राज्य है। के पुस्तक में इसको भंडारण की दृष्टि से बोलते हैं, लेकिन हम भंडारण में नहीं है, हम क्या है? उत्पादन में। तो उत्पादन में हम क्या है? नंबर 1। तो टीन के उत्पादन में मतलब भारत में 99% जो आपका जो टीन है उसका जो उत्पादन कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, विच कैन बी एब्रिविएटेड एज CGMDC। छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम, क्लियर है? और प्रेस्टीज करके भी यहां पर क्या कंपनी है, ये दोनों मिलकर ये क्या कर रहे हैं? यहां पर इस खनिज का क्या कर रहे हैं? दोहन कर रहे हैं। किसका? कैसे कर रहे हैं? और टीम का क्या कर रहे हैं? उत्पादन। तो छत्तीसगढ़ पूरे भारत में सबसे अग्रणी राज्य है जो टीम का क्या करता है? उत्पादन करता है। और टीम का जो आयस्ट है वो क्या है? कैसे कर रहे हैं? ध्यान देना, सर्वाधिक टीन आपको दंतेवाड़ा में मिलता है। दंतेवाड़ा का कटे कल्याण, दंतेवाड़ा में एक जगह सुना क्या है? कटे कल्याण, वहां पर सर्वाधिक क्या है? टीन का भंडारण। और उसके बाद कहां पर है? सुकमा में। और सुकमा में कहां कहां पर? कच्ची रस। बोलो क्या क्या है? कच्ची रस, चीरवाड़ा, मुंडपाल, गोविंदपाल, चिंतलना, जगरगोंडा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? SS-27। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, अब ये ध्यान दो आप लोग यहां पर, ये जो आपको दिख रहा है बॉस बीजापुर वाला ये रास्ता, यहां पर एक नदी बह रही है जो कि बैलाडीला पहाड़ी से निकल रही है। इसका नाम है चिंता नदी। क्या नदी? ये चिंता, मतलब बीजापुर
और जो आपका सुकमा का जो बॉर्डर बन रहा है वो एक नदी से बन रहा है, नाम क्या है? चिंता। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? ताली पेलू नदी, चिंता नदी, चिंता वागू नदी, ये सब हम कहां पढ़ेंगे? सुकमा, कहां पर? बीजापुर। बस ये जानो यहां पर क्या नदी है? चिंता, ठीक है। और इसी बरेडीला पानी से एक और नदी निकल रही है जो सीधा मिल रही है जिससे सबरी से, और इसको हम बोलेंगे मालिंगर नदी। क्या नदी है ये? मालिंगर नदी। और ये जो मालिंगर नदी, ये जो आपका मालिंगर नदी, ये जो आपका बीच में जगह है नीलमपल्ली, क्या नाम है? नीलमपल्ली। यहां पर जगह क्या है? नीलमपल्ली। ये जो आपका मालिंगर नदी है ये नीलमपल्ली को क्रॉस करने के बाद एक वाटरफॉल बना देता है, और इस वाटरफॉल को हम बोलते हैं मालिंगर इंडुल वाटरफॉल। क्या बोलो? मालिंगर इंडुल। इंडुल का मतलब ही होता है जलप्रपात, मालिंगर इंडुल। तो क्या वाटरफॉल यहां पर? मालिंगर इंडुल जलप्रपात। तो आपके सुकमा में आपको एक और वाटरफॉल मिल रहा है, नाम क्या है? मालिंगर इंडुल जलप्रपात। क्या बोलो? मालिंगर इंडुल जलप्रपात। क्लियर है? तो आपको यहां पर एक और क्या मिल गया? वाटरफॉल। ठीक है, नीलमपल्ली के ठीक है। अभी ध्यान, लास्ट चिंता, ये एक स्टेट है एस एस फाइव और एक है एस एस 28। इसी के बीच में आपको दो जगह मिले, इसमें एक नाम होगा गो गोवांडा। क्या? गोवांडा। गो गोवा। क्या? गो गोवा से गोवांडा। क्यों लो? गो गोवांडा, ठीक है। तो यहां पर आपको एक जगह मिलेगा, यहां पर क्या है? गो गोवा, और गोवा में क्या खाओगे? अंडा। तो नाम क्या हो गया? गो गोवांडा। क्या बोलो? गो गोवांडा। और गो गोवांडा के पास अब एक और जगह मिलेगा जिसका नाम है गोवाला डोंगरी। क्या है? गोवाला डोंगरी। क्या जगह है? गोवाला डोंगरी। तो एक क्या आ गया आपका? गो गोवांडा, और क्या है? गोवाला डोंगरी। और इसी गोवाला डोंगरी के पास अब एक और जगह मिलेगा जिसका नाम है गोजिया डोंगरी। क्या डोंगरी है? गोजिया डोंगरी। तो तीन जगह, क्या क्या? गो गोवांडा, क्या बोलो? गो गोवांडा, और क्या है? गोवाला डोंगरी, और क्या है? गोजिया डोंगरी। ये जो गो गोवांडा है, ये जो गोवाला डोंगरी है, और जो गोजिया डोंगरी है, ये तीनों क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र आपके आपके कहां के? सुकमा के ऐसे क्षेत्र है जहां से आपको एक खनिज मिलेगा, और ये जो खनिज है इसका नाम क्या है? SiO2। और SiO2 मतलब क्या होता है? क्वार्ट्जाइट। क्या होता है आपका? क्वार्ट्जाइट। तो SiO2 क्वार्ट्जाइट का जो क्षेत्र हो क्या है? गोवांडा, गोजिया डोंगरी, और क्या है? क्या है? गोवाला डोंगरी। और SiO2 का फॉर्मूला क्या है? क्वार्ट्जाइट का फॉर्मूला क्या है? SiO2। क्वार्ट्जाइट क्या होता है? रेत। क्वार्ट्जाइट एक्चुअली क्या होता है? रेत होता है। तो रेत को हम क्या बोलते हैं? सिलिका। तो फॉर्मूला क्या है? SiO2। इसी रेत से, इसी सिलिका से आप बनाते हो क्या? ग्लास। क्या बनाते हो आप? ग्लास, कांच। कांच का जो फॉर्मूला क्या होता है? Xr2O.ymo.6SiO2। क्या बोलो? क्या बोलो? Xr2O.ymo.6SiO2। अब यहां पर X क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। R क्या है? आपके आवर्त सारणी के पहले एलिमेंट्स, पहले ग्रुप के एलिमेंट्स। तो पहले पहले भी लगा जाएगा सोडियम पाया जाएगा, जाएगा ना भाई? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये पूरा जाएगा आपका। तो मान लो मैंने क्या ले लिया? एक्स मतलब वन मॉलिक्यूल, ठीक है। और आर में मैंने क्या ले लिया? मान लो सोडियम ले लिया आपका, सोडियम ले लिया Na2O। आर टू को क्या जाएगा? Na2O। मान लो वाई भी क्या नंबर मॉलिक्यूल, क्या ले लिया? एक ले लिया। एम क्या है? आपके आवर्त सारणी के दूसरे ग्रुप के एलिमेंट। इसमें क्या आता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम वाला जो 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 थोड़ा वो एरिया है, स्ट्रॉन्शियम वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मान लो कैल्शियम ले लो, क्या जाएगा? CaO.CaO.6SiO। तो ये क्या हो गया? कांच। क्या हो गया आपका? ये कांच। तो कांच का फॉर्मूला क्या है? Na2O.CaO.6SiO2। कितना आसान? आसान है, कठिन है? सब आसान है, आसान हो जाए। तो ये क्लियर है? तो क्या है? क्वार्ट्जाइट। और क्वार्ट्जाइट से आप क्या बनाते हो? कांच। क्या बनाते हो आप? कांच। तो आपके सुकमा में आपको क्वार्ट्जाइट कहां मिलेगा?
गोगोवाडा, ग्वाला डोंगरी और गोजिया। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर सुकमा डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है ये बनेगा? अब अपना कॉपी को बंद करिए, आप लोग कॉपी को बंद करिए, एक बार रिकॉल करेंगे क्योंकि अपन यहां पढ़ेंगे तो भाई ऐसा लगे ना भाई कि भाई सब कुछ याद है अपने को। चलो फिर से बोल रहा हूं, मास्क पहने हो उसके बाद भी ऐसा लगना चाहिए कि बोल रहे हो, भले आप ना बोल रहे हो लेकिन कम से कम ऐसा प्रिटेंड करो कि मैं क्या कर रही हूं, क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं या बोल रही हूं, मुझे थोड़ा अच्छा लगे। चलिए भैया, और जो बोलेगा उसी एग्जाम निकलेगा। अब देखो, सुकमा जिले का स्थापना कब हुआ है? 16 जनवरी 2012। सुकमा जिला आपके छत्तीसगढ़ का कौन से नंबर का जिला? सुकमा जिला कौन से पहाड़ी श्रेणी से घिरा हुआ है? टिकनापल्ली पहाड़। क्या पहाड़ी? टिकनापल्ली पहाड़। कौन सा घाटी? जीरन घाटी। जीरन घाटी के, जीरन घाटी में क्या मिलेगा? लैपिडोलाइट। कौन सा कांड? जीरन घाटी कांड। दिनांक क्या है? 25 मई 2013। आगे बढ़ेंगे, कहां जाएंगे? रॉकेट। रॉकेट पहले क्या है? सोना दुगना। सोना दुगना और रॉकेट में क्या है? कोरंडम। कोरंडम फॉर्मूला क्या है? H2O3। कितने प्रकार? दो प्रकार। क्या क्या? लाल और नीला। लाल क्या है? माड़ी। नीला क्या है? नीला। बॉक्साइट क्या होता है? Al2O3.2H2। लेकिन हम आगे बढ़े, कहां जाएंगे? छिंदगढ़। छिंदगढ़ से कितना किलोमीटर? 20। कौन सा गांव? ताला। कौन सा घाटी? भीमसेन घाटी। पुष्कर घाटी और कोयराला घाट। क्या नदी है? सबरी। उद्गम क्या है? कोरापुर। कौन सा पहाड़ी? सिंकारा पहाड़ी। सहायक नदी कौन सी है? सिलेरू। सबरी को पानी कौन देता है? इंद्रावती। सबरी की कुल लंबाई 418 किलोमीटर। अभी मत लिख देना कितना किलोमीटर है, 418। लेकिन सबरी को पानी किसे मिल रहा है? इंद्रावती। कौन से नाला से? जुआरा नाला। क्या नाला? जुआरा नाला। इसी सबरी में, इसी तालनार में, इसी कोयराला घाटी में एक क्या है? जलप्रपात। कौन डूबी थी? पद्मावती। पद्मावती और कहां डूबी थी? जसपुर में। क्या हुई थी वहां पर? दह गई। नाम क्या था? रानी। कवर्धा में क्या हुई थी? दहरा गई। नाम क्या था? रानी दहरा। यहां पर क्या हुई? दरहा गई। नाम क्या है? रानी दरहा। फिर कहां जाओगे आप? छिंदगढ़। छिंदगढ़ से कहां जाओगे? सुकमा। सुकमा में किनको प्रणाम करोगे? चिटफिटी माता। क्या बोलोगे? माता आपने मुझे क्या दिया? सुख दिया। नाम क्या हुआ? सुकमा। कौन सा डोंगरी? महादेव। क्या नदी? फूल नदी। क्या मंदिर? चिटफिटी मंदिर। कौन सा बांध? तुंगला जलाशय। क्या पॉइंट? इको टूरिज्म पॉइंट। कौन सा पार्क? साइंस पार्क। कैसा? पहला। कहां? झारखंड का, छत्तीसगढ़। फिर आगे बढ़ोगे, कहां जाओगे? कोंडा की ओर। कौन विनोद? वेंदी विनोद। क्या विनोद? वेंदी विनोद। क्या पहाड़? डंडा पहाड़। कौन घुसे आप? भगवान राम। नाम क्या हुआ? घुसाराम गुफा। कौन क्या किया? चिंता। फिर नाम क्या हुआ? चिंता गुफा। कौन सी माई? बूढ़ी माई। कौन सी माई? बूढ़ी माई। पहाड़ कौन सा? डंडा। एक नदी, इसका नाम क्या है? मुरना। क्या नदी है? मुरना। मुरना में क्या है? डुडमा। नाम क्या है? डुडमा। और डुडमा क्या है? जल प्रपात। ऐसे ही डुडमा का एक और नाम कहां पर है? दंतेवाड़ा। नाम क्या है? डुडमा छोड़ी। एक कहां पर है? उड़ीसा में। नाम क्या है? डुडमा। इसके अलावा हम कहां जाएंगे? कोंटा। कोंटा में मुलाकात किस करोगे? दादी से। दादी का नाम क्या है? कवासी लखमा। कवासी लखमा क्या बताएंगे कि यहां पर क्या हवा, क्या जल्दी परिवहन होता है? बिल्कुल होता है। और यहां कौन सा वर्ति है? तेलावर्ति। बोलना पड़ेगा भाई, कौन सा वर्ति है? तेलावर्ति। तेलावर्ति में क्या आयल है? उट्टा। क्या नाम है? मुनी उट्टा आयल। फिर हम कोंटा से कहां जाएंगे? गोलापल्ली। कौन सा स्टेट है? SS-27। कितने स्टेट है? तीन। क्या क्या? SS-5,
SS-27, SS-28. हम कहाँ जा रहे हैं? SS-27 से कहाँ जाएंगे? गोलापल्ली। गोलापल्ली में क्या गोलगप्पा खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे। और खाते खाते हम क्या देखेंगे? मायका। कैसा मायका? लेपी डोलाइट। फिर कहाँ जाएंगे हम? बेरी कुपली। और बेरी कुपली में हमें क्या मिलेगा? बेरिल। और बेरिल क्या है? बेरिलियम एल्यूमिनेट साइक्लोसिलिकेट। फिर हम कहाँ जाएंगे? मुंडपा। बोल क्या है? हाँ, फिर क्या है? कच्ची रस। फिर हम क्या है? चिउरवाड़। अरे क्या है? कच्ची रस। फिर हम क्या है? चिउरवाड़। नम क्या है? मुंडपा। फिर गोविंदपा। फिर चिंतनला। फिर जगतगोंडा। ये पूरा एरिया कैसा है? टीन का। और टीन का हाइस्ट क्या होता है? कैसे टेराइट। और कैसे टेराइट का फॉर्मूला क्या है? SN2। फिर कौन सा स्टेट है वे? SS5। और क्या है? SS-27। उसके बीच में क्या है? गो गोवांडा। और क्या है? गोजिया डोंगरी। और क्या है? गोवाला डोंगरी। और वहां क्या मिलेगा? क्वार्टजाइट। और क्वार्टजाइट से क्या बनता है? कांच। और कांच हमने क्या है? Na2O CaO.6SiO2। इसके अलावा इस सुकमा में कितने तहसील? तीन। क्या क्या? छिंदगढ़, सुकमा और गोंडा। और सभी कैसे विकास खंड? आदिवासी विकास। और एकमात्र विधानसभा कौन सा? गोंडा विधानसभा, जहां पर कौन है? कवासी। और यहां कौन जिम्मेदारी थी? सुकमा और चिंदगढ़। ये दोनों एबॉलिश कब हुए थे? 1951। कब हुए थे? 1951। इसके अलावा यहां पर एक वॉटरफॉल, ऐसे नाम क्या है? मालिंगर इंदूर। कौन सी थी? मालिंगर। तो आई होप आप लोगों को ये चीज याद रहेगा, नहीं भूलोगे क्या आप लोग अपना सुकमा को? ठीक है, कल मैं पढ़ेंगे एक नया जिला, से नाम हो क्या? बनते। क्लियर है? और कल मैं 4 बजे क्लास लूंगा एग्रीकल्चर का, इसको बैठना बैठेंगे एसी ऑफ रेंजर के लिए। कल शाम को 4 बजे से एग्रीकल्चर लूंगा मैं, और मैं चाहता हूँ कि आपके आप भी बैठो, क्योंकि एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं पीएससी में भी काम आता ही है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्लास लूंगा मैं एसी ऑफ रेंजर के लिए, पढ़ना है तो आओ। ठीक है, उसके बाद 36। ठीक है, चलो, थैंक यू।